सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं आपका एसएससी जेई 2023 का जो मॉक टेस्ट रखा था, उस मॉक टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन है आज। और सभी फैकल्टीज आपके सामने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए गए, तो आप सभी देखिएगा क्या क्या आपकी गलतियां हुई है और किस तरह से आपको उन गलतियों को रेक्टिफाई करना है, उस बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सभी इस लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन लाइव देख सकें। चलिए आते हैं अपन यहां पर। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको सभी को कि एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट है और 10 सीबीटी टेस्ट है जो आप हमारे उत्कर्ष इंजीनियरिंग ऐप से आप ले सकते हैं और इसी को आप ऑफलाइन मोड पर भी दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर लैब्स हैं जहाँ पर चार जगह पे, इंदौर में, जयपुर में, प्रयागराज में और दिल्ली के जोधपुर के अंदर, वहां पर आप इसको ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है, कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर गलती नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। और ये जो टेस्ट है वो सभी ब्रांचेस के लिए है, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और एज वेल एज इलेक्ट्रिकल के लिए। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी है, वो मैक्सिमम बच्चों को तो पता है पर कुछ बच्चे जो अभी नए जुड़े हैं उन सबको पता होनी चाहिए कि एक उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस मतलब हम लोगों ने एक बुक लॉन्च करी है और वो सभी स्ट्रीम में लॉन्च करी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या फिर मैकेनिकल हो। इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों वॉल्यूम में आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपका उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के जो ऐप है उसका राइट हैंड साइड पर आता है आपका बुकशाला, उस बुकशाला पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं या नियर बाय अगर आपके कोई सेंटर है तो वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं अपन आज के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले मैं जो है वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आपका एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो उससे अपन स्टार्ट करेंगे इसको। चलिए तो क्वेश्चन जो था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वो था आपका क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन यहां से एनवायरमेंट स्टार्ट हुई थी। सारे सब्जेक्ट वन बाय वन डील होंगे, एक भी क्वेश्चन यहां पर ऐसा नहीं जो स्किप होगा। क्लियर है, रेडी सभी? चलिए आते हैं। सबसे पहले द बैबिट फॉर्मूला फॉर सीवेज फ्लो इन अ रेजिडेंशियल एरिया। बैबिट फॉर्मूला पूछ रहा है सीवेज फ्लो के लिए, वेस्ट वाटर के अंदर आता है एक बैबिट फॉर्मूला जिसके अंदर क्यू मैक्स एंड क्यू एवरेज आर दी मैक्सिमम और एवरेज रेट ऑफ फ्लो है यहां पर और पी इज दी पॉपुलेशन है 1000 के अंदर। तो इनमें से बैबिट फॉर्मूला कौन सा सही होगा, ये सही फॉर्मूला आपका चूज करना था यहां पर। तो सर दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक बैबिट फॉर्मूला होता है और एक और फॉर्मूला होता है जो आपने देखा होगा कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उस क्वेश्चन को पूछा गया है और उस फॉर्मूले का जो नाम है वो है आपका हरमंस का फॉर्मूला। याद आया, एक हरमंस का फॉर्मूला है और एक बैबिट का फॉर्मूला होता है। तो बैबिट फॉर्मूला है आपका जिसके बारे में क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि सीवेज फ्लो के लिए होता है और इसका करेक्ट फॉर्मूला जो है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी के क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू 5 क्यू एवरेज अपॉन में पी की पावर 0.2। क्यू एवरेज एवरेज फ्लो है, क्यू मैक्स मैक्सिमम फ्लो है, पी पॉपुलेशन है और ये जो फॉर्मूला है कितनी पॉपुलेशन के एप्लीकेबल होता है, तो पॉपुलेशन जो है वो 100 से 1000, जब पॉपुलेशन कितनी हो 100 से 1000 के मध्य हो उसके लिए फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है 100 से 1000। तो सर अगर 100 से 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन होती है इस रेंज से तो क्या है सर, इसकी तो लिमिट है, उसके लिए फिर आपका हरमन का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, क्या होता है फॉर्मूला वो लिखेगा यहां पर, देखते हैं अपन। यहां पर आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला जिसका नाम है हरमन फॉर्मूला, एच ई आर एम ए एन, हरमंस फॉर्मूला। हरमंस फॉर्मूला भी सीवेज फ्लो के लिए ही होता है। ये हरमंस फॉर्मूला जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी तो लिमिट है कि 0 से 1000 पॉपुलेशन है तब इसको एप्लीकेबल हो सकता है। और यहां पर ये भी क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1 + 1 + 14 अपॉन में 4 + p^0.5। तो यहां पर 4 + 14 तो 18, पी की पावर 0.5 अपॉन 4 p^0.5, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म आप सभी लोगों ने देखा होगा जो एसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ रखा है, मैक्सिमम फ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज फ्लो का फॉर्मूला, मैक्सिमम फ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज फ्लो का फॉर्मूला, हरमन फॉर्मूला। बिल्कुल सही चंदन, चंदन वेरी गुड, बिल्कुल हरमन फॉर्मूला जो है वो एकदम करेक्ट है, वो होता है 1 + 14 अपॉन में 4 + p^0.5 इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख सकते हैं अपन क्यू एवरेज, क्यू
एवरेज। तो क्यू मैक्स बाई क्यू एवरेज का फॉर्मूला होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 14 18 प्लस पी की पावर 0.5, इस तरह से आपने देखा होगा 18 प्लस अंडर रूट पी अपॉन में 4 प्लस अंडर रूट पी क्यू मैक्स अपॉन में क्यू एवरेज। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, अगर याद आया हो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हो एसएससी के तो ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, आया याद 18 प्लस अंडर रूट पी अपॉन में 4 प्लस अंडर रूट पी। डन, अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं द मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट वॉज एस्टिमेटेड एज, कितने डेली डिमांड है तो 12 इंटू मिलियन लीटर पर डे, 12 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर पर डे है। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक, रिक्वायर्ड डिटेंशन पीरियड जो है 6 आवर्स है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है 0.22 मीटर पर मिनट है। ये कुछ आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम डेली डिमांड गिवन है 12 मिलियन लीटर पर डे। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है सेडिमेंटेशन टैंक का, डिटेंशन टाइम 6 आवर्स से और वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.22। अब बताइएगा एरिया क्या आ रहा है सभी का, फर्स्ट आपने क्या करेक्ट किया है, इस आंसर को किसको चूज किया है। तो यहां से अगर बात करें तो जो जो गिवन है वो लिख दे, मैक्सिमम डेली डिमांड क्यू, डिमांड कितनी है 12 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 लीटर पर डे, मिलियन को 10 टू पावर 6 लिख दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना, डिटेंशन टाइम होता है टीडी, डिटेंशन टाइम इज 6 आवर्स, 6 घंटे दे रखा है आपको। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू 0.22 मीटर पर मिनट, यह है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपने क्लास ली तो आपको पता होगा कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ जय जगन्नाथ आ जाओ मनोरंजन, चलिए तो अपन ने कहा कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है कि टैंक में जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। प्लान एरिया था तो कौन सी आती, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसमें क्या आती है सर, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फॉर्मूला वही बेसिक सा फॉर्मूला है कि Q इज इक्वल्स टू ए वी, इसी फॉर्मूले से अपने को देखना है एरिया निकालना है तो हो जाएगा Q बाय वी। Q आपके पास है 12 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर पर डे। तो हमने कहा है यहां पर कि एनवायरमेंट में कभी भी क्वेश्चन आता है तो यूनिट कन्वर्जन आपको जरूर कराएगा। देखिएगा वेलोसिटी जो है वो डिवाइड कर दिया अपन ने, वो कितनी है 0.22 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो लीटर को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करोगे सर, मीटर क्यूब में। अरे लीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में, तो 10 टू पावर 3 किया तो लीटर किसमें हो गया, मीटर क्यूब में। डन, ये मीटर क्यूब में हो गया, यहां पर मीटर है तो एक मीटर से मीटर स्क्वायर बच गया, मिनट ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 10 टू द पावर 6 ये मीटर स्क्वायर हो गया, मिनट ऊपर गया डे नीचे है तो 10 टू पावर 3 0.22 डे को आवर, आवर को मिनट में, डे को आवर 24, आवर को मिनट में 60, बस हो गया खत्म खेल। ये किसमें आ गया, ये मिनट में आ गया, यहां पर मिनट था कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया निकल जाएगा, डिवाइड करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहां पर 12 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.22 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60, 3787 कितना आ रहा है, 3787। नमस्कार दिनकर, 3787 तो जी बोला 3787 मीटर स्क्वायर, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर, अरे सर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो कितनों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया था, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है 3787। आकाश बिल्कुल। तो यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहां पर यूनिट कन्वर्जन होगा, क्योंकि अगर आपके फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आता है एनवायरमेंट में तो बेसिकली यूनिट कन्वर्जन ही आपका पूछा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 10 टू पावर 3 किया और इस डे को आवर, आवर को मिनट, तो मिनट से मिनट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर हो गया, नो डाउट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट द एवरेज सीवेज फ्लो, एवरेज सीवेज फ्लो बिल्कुल सही चंदन, एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम द सिटी इज, कितना सीवेज फ्लो है सिटी में तो सर ये 100 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर पर डे, और एवरेज 5 डेज बीओडी जो है, 5 डेज बीओडी जो है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर है। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट
व्हाट विल बी द डोमेस्टिक सीवेज की क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 0.8 केजी पर डे। तो यहां से आपको पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है वो यहां पर देखिएगा आप। तो आपको सबसे पहला दे रखा है आपको कि जो सीवेज फ्लो है, एवरेज सीवेज फ्लो सिटी का वो कितना है, 10 to 100 × 10^6 लीटर पर डे है। नेक्स्ट कि 5 डेज का जो बीओडी है वो कितना है, 300 मिलीग्राम पर लीटर है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है और 0.08 केजी पर डे आपको दे रखा है डोमेस्टिक सीवेज की क्वांटिटी। अब सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है क्या आपको, पीई पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के बीओडी 5 डेज ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज डिवाइडेड बाय बीओडी 5 डेज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, बीओडी 5 डेज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। डन। तो यहां पर हमने कहा कि कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अपन करेंगे Q into Y naught, कितना एवरेज फ्लो है, तो अपन कहेंगे यहां पे Q into Y naught अपॉन में आपका BOD किसका, डोमेस्टिक सीवेज का, या डोमेस्टिक सीवेज की क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। तो Q की बात करें, जिसको कहते हैं सर एवरेज सीवेज फ्लो, वो कितना है, तो 100 × 10^6 लीटर पर डे। यहां पर भी यूनिट कन्वर्जन होगा, क्योंकि जब भी एनवायरमेंट का न्यूमेरिकल पूछेगा यूनिट कन्वर्जन इज मैंडेटरी। फिर बीओडी कितना है आपका, 300 मिलीग्राम पर लीटर, ये लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय 0.08 केजी पर पर्सन पर डे। तो केजी पर डे, तो केजी को किसमें कन्वर्ट करना होगा सर, यहां पर हमें दिख रहा है ये मिलीग्राम में है और ये केजी में है, तो या तो मिलीग्राम को केजी में कर दो या केजी को मिलीग्राम में कर दो और यहां से आपका आंसर आ जाएगा बस। तो यहां पर ये यूनिट लेस हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट वो रेशियो होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहां से हमने देखा तो 100 × 10^6 ये सब कैंसिल आउट हो गए, ये और ये 300 ये मिलीग्राम में है और 0.08 केजी को ग्राम और ग्राम को मिलीग्राम, तो 10^6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केजी को ग्राम और ग्राम को मिलीग्राम। तो यहां पर देखिएगा, तो ये 100 × 300 ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय 0.08375000, ऑप्शन नंबर ए ये आ गया 375000, क्योंकि ये 10^6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या यूनिट आ गई, ये मिलीग्राम था और ये भी हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यूनिट लेस हो गई क्वांटिटी। और पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कैसी होती है सर, यूनिट लेस ही होती है। तो 375000 आपका आंसर आ गया। कौन सा आपका सी कैसे आ रहा है, नेगी सी कैसे आ रहा है, तो यहां पर कितना डिस्चार्ज है और कितना बीओडी है अपॉन में पर पर्सन कितना पर डे आपका डोमेस्टिक क्वांटिटी ऑफ सीवेज है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट लेस हो गया और यूनिट लेस ही होता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट और आंसर आ गया 375000। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच टाइप ऑफ प्लूम मे बी अकर्स ड्यूरिंग विंटर नाइट, विंटर नाइट के अंदर सर्दियों में किस टाइप का प्लूम होता है, तो लॉफ्टिंग प्लूम, क्योंकि इन्वर्जन कंडीशन में होता है, एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया, टाइप ऑफ प्लूम होते हैं कोनिंग प्लूम, फ्यूमिगेटिंग प्लूम, ट्रैपिंग प्लूम, लॉफ्टिंग प्लूम, इस तरह के प्लूम्स होते हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि वो प्लूम जो कहां पर दिखता है, अकर्स ड्यूरिंग विंटर नाइट्स, सर्दियों के अंदर आपको देखने को मिलता है, और सर्दियों के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, तो इन्वर्जन कंडीशन होती है, जो किसमें देखने को मिलती है, लॉफ्टिंग प्लूम के अंदर, लॉफ्टिंग प्लूम के अंदर आपको इन्वर्जन कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कि हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि लैप्स रेट क्या होती है सर, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और यहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यहां पर हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होगा आपका, बढ़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका लॉफ्टिंग प्लूम। चलिए आगे आते हैं अपन नेक्स्ट। हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वेरीज बिटवीन, ट्रिकलिंग फिल्टर सभी जानते हैं दो तरह के होते हैं, और ये हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पूछ रहा है HRTF की, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, ये कितनी होगी, ये डायरेक्टली टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल से डाटा पूछा जाता है, और मैं कहता हूं उस डिजाइन पैरामीटर से हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, डेप्थ और आपका रिसर्कुलेशन,
रेशो, ये चारों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, एक होती है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और एक होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। यहां पर पूछ किस में रहा है? मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे। मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे के अंदर वैल्यू क्या होगी? तो हम कहते हैं कि SRTF की होती है 10 to 40 और ये होती है 100 to 400। 10 to 40 और 100 to 400। तो किसकी पूछ रहा है? HRTF की पूछ रहा है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की पूछ रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यूनिट देख लेना, यूनिट किस में है? आपने कोई और यूनिट लिख रखी हो, मीटर क्यूब के अंदर लिख रखा हो, यहां पर मिलियन लीटर के अंदर पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 से 400 होगा HRTF। अगर यही पूछता है SRTF स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तो आप कहते हैं क्या होगी? 10 to 40 होगी। चले आगे, वेरी गुड चंदन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड इज 2,000, 2,00,000, 2,10,000, 2,30,000 इन द ईयर 1981, 1991, 2001। तो पूछ रहा है कि पॉपुलेशन क्या होगी ज्योमेट्रिक मीन मेथड से इन द ईयर 2009। ये आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट से क्वेश्चन पूछा गया, आपका कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन से। तो पहले साल, दूसरे डिकेड और थर्ड डिकेड में, 1981 में, 1991 में, 2001 में पॉपुलेशन गिवन है और पूछ रहा है कि किस मेथड के थ्रू निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है किस साल की, 2009 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। 2,00,000 है 1981 की, 2,10,000 1991 की, 2,30,000 2001 की। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड का यूज करिए और बताइए 2009 में पॉपुलेशन क्या होगी। तो हमने कहा सबसे पहले क्या होता है, इधर तो आता है आपका ईयर, फिर आता है आपका पॉपुलेशन। ईयर कौन सा गिवन है? 1981 और 2001। कितनी पॉपुलेशन है? 2,00,000। यह है आपकी 2,00,000, फिर 2,10,000, फिर क्या है? 2,30,000। फॉर्मूला सर हमें पता है, फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू पी नॉट 1 + R/100 की पावर n। अब यहां पर बोला है कि किस साल की पॉपुलेशन कैलकुलेट करो, 2009 की। तो यहां से अपने को कैलकुलेट करनी है 2009 में पॉपुलेशन क्या होगी, ये Pn की वैल्यू। अब सर 2001 से 2009 के अंदर अगर आप बात करें तो कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। नंबर ऑफ डिकेड कितने हो गए? 8। तो n इज इक्वल टू 0.8 हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स हो गए आपके 8, तो डिकेड कितना होगा? 0.8 हो जाएगा। तो साल तो हुए 8, उसको 10 से डिवाइड करते हैं, वो डिकेड में कन्वर्ट होगा और वो हो गया 0.8। क्लियर है सभी को? बस यहीं से अपने को क्या करना है, पहले आर निकालना है, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी है? 2,00,000 इंटू 100, यहां से R1 आएगा, फिर आएगा आपका R2 कितना? 20,000, प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी है? 2,00,000, 10,000 इंटू 100। देखिएगा R1 R2 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, R1 और R2 की वैल्यू सॉल्व करके देखिए। तो ये हो गया आपका 4 × 2 = 6, तो 1 × 10^6 डिवाइडेड बाय 2 × 10^5, तो यहां से आ गया आपका 5। यहां पर 2 × 10^6 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 9.52, ये परसेंट, ये भी परसेंट। तो सर यहां पर अब मीन कैसे निकालेंगे? तो सर जब बात करते हैं SSC प्री के अंदर, तो यहां पर दो तरीके से मीन लिखता है, अर्थमेटिक भी और ज्योमेट्रिक भी। तो हम अर्थमेटिक मीन को प्रिफर करें क्योंकि वो इजी होता है निकालना बिना कैलकुलेटर के। तो प्री के अंदर जब आप निकालोगे तो आर परसेंट इज इक्वल टू R1 + R2 / 2 अर्थमेटिक मीन से निकालोगे, तो 5 + 9.52 / 2, तो कितना हो गया? 9.52 + 5 / 2, तो 7.26। बस पुट कर दो वैल्यू, लास्ट नोन पॉपुलेशन कितनी है जिसे कहते हैं पी नॉट, तो 2,30,000 1 + 7.26 / 100 की पावर n 0.8। सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 7.26 / 100 1 + आंसर की पावर 0.8 × 230
1 2 3, तो ये हो गया आपका 2 4 3 6, ये कितना हो गया आपका 2 4 3 2 6 4, 2 4 3 2 6 4, 2 4 3 2 तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका none of the above, तो किसी कोई भी आंसर नहीं होगा इनमें से, आपका आंसर क्या होगा none of the above होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स और अ पेयर ऑफ पॉल्यूटेंट इज फॉर्म ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन से कौन सा पॉल्यूटेंट बनता है ये आपको बताना है, तो ये आपका बनता है ओजोन एंड पेन परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ये आपका एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, कैच बेसिन की बात कर रहे हैं, कैच बेसिन्स एंड मैनहोल्स आर यूजुअली, तो कैच बेसिन्स और मैनहोल जो होते हैं, मैनहोल किसके लिए होते हैं, मेंटेनेंस और क्लीनिंग पर्पस के लिए होते हैं, और कैच बेसिन्स जो होते हैं इनका शेप पूछ रहा है कैसा होगा, तो जनरली ये सर्कुलर शेप के होते हैं, सभी को पता होगा इनका शेप पूछता है, शेप कैसा होगा सर, सर्कुलर शेप होगा। चलिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे, यहां पर हो गया हमारा एनवायरमेंट खत्म, 122 क्वेश्चन तक यहां तक हमारा एनवायरमेंट था। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों के साथ, नेक्स्ट फैकल्टी हमारे साथ आने वाले हैं जल्द ही, एक मिनट वेट करिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आप सब लोगों का मॉक, आई होप आपको मॉक बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अभी आपको एक चांस और मिलने वाला है 1st of October को, और आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट्स की, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 को ध्यान से देखिए बेटा, 123 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हेन द फाइनल कोट ऑफ पेंट इज नॉट सफिशियंट टू कैपेसिटी द बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन इज नोन एज, भी आपको पेंट की जितनी कोट आपको करनी थी उतनी सारी कोट आपने कर ली बेटा, उसके बाद भी आपको उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये बोर्ड है इसका कलर आपको व्हाइट है, इस पर आपको जो भी कलर करना है ग्रीन रेड वगैरह उसकी सारी कोट आपने कर ली, कर लेने के बाद भी आपको इसकी जो बैकग्राउंड का जो कलर है व्हाइट कलर है वो क्लियरली दिखाई दे, तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको अपने किस नाम से जानते हैं बेटा, ग्रीनिंग के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं बेटा इसको अपने, ग्रीनिंग के नाम से इसको अपने पहचानते हैं। ब्लूम क्या होता है, लेक ऑफ जो अपना इसके ऊपर लेक ऑफ वेंटिलेशन होता है उसकी वजह से डल हो जाता है, व्रिकलिंग और फ्लैंकिंग एक तरीके से पपड़ी बनने की जैसे होती है बेटा। नेक्स्ट बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 124 की ओर है, क्या कहना चाह रहा है, स्लोन स्ट्रक्चर एंड व्हाइट ब्लॉट टू दी फाउंड दी ब्रिक व्हेन इज प्रेजेंट इज क्ले इज, भी कौन सा ऐसा कंटेंट है जो ब्रिक में प्रेजेंट होने के बाद बेटा अपने को जो सरफेस है वो कैसी दिखाई दे रही है, स्वेलिंग, ओनली स्वेलिंग हो बेटा, क्या हो बेटा, ओनली क्या हो, ओनली स्वेलिंग हो, तब मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों का ये कार्बन है रिस्पॉन्सिबल होगा, कार्बन भी नहीं उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में एक्सेस ऑफ कार्बन होगा, क्या होगा, एक्सेस ऑफ कार्बन, उसके साथ साथ वो कह रहा है व्हाइट पिचेज भी हो रहा है, स्लोन स्ट्रक्चर भी हो रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट है वो क्या होगा अपना, सल्फर होगा, और इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्क्रीट की जो प्लेसिंग है उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है बेटा वो होती है 150 सेंटीमीटर, अगर मैं बात करूं बेटा कुछ बुक में आपको ये ऐसे भी मिलेगी बिफोर 2016, 2016 से पहले क्या था बेटा, ये जो फॉलिंग हाइट जिसकी एग्जामिनर क्वेश्चन में डिस्कशन करना चाह रहा है उसकी जो फॉलिंग हाइट थी वो उससे पहले कितनी थी बेटा 100 सेंटीमीटर थी, अगर मैं बात करूं 2016 के बाद जो कोड का अपडेट आया उसके बाद कितनी हो गई है 150 सेंटीमीटर, 2016 से पहले जो ये हाइट थी वो कितनी थी बेटा 100 सेंटीमीटर थी, सी इज दी राइट ऑप्शन, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर है, इन स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील बनाने की जो इंडस्ट्री है, स्टील एनफोर्समेंट की इंडस्ट्री है, माइल्ड स्टील जो अपने बनाते हैं बेटा, मृदु इस्पात जो अपने बनाते हैं कि ब्रिक के यूज, उसमें जो किलन अपने काम में लेते हैं, जो ओपन हार्ट प्रोसेस जो अपने अपनाते हैं उसमें जो किलन अपने काम में लेते हैं उसकी लाइनिंग में कौन से ब्रिक काम में लेंगे, तो पहली बात तो जो अपनी लाइनिंग में ब्लैक काम में लेगी ब्रिक है वो हमेशा ही एक हाई रिफ्रैक्टरी ब्रिक होगी बेटा, कौन सी ब्रिक होगी,
हाई रिफैक्ट्री ब्रिक होगी। और हाई रिफैक्ट्री ब्रिक कौन सी ब्रिक होती है बेटा? हाई रिफैक्ट्री ब्रिक वो होती है जिनका टेम्परेचर रेसिस्टेंस हाई हो। कौन सी ब्रिक होती है बेटा? वो ब्रिक होती है जिन ब्रिक का टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या हो? वेरी हाई हो बेटा। वो ब्रिक जिनका टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या हो? बहुत ही हाई हो। उसमें भी देखो बेटा, यहां पर तो काम में लेंगे बेटा बेस रेसिस्टेंस ब्रिक काम में लेंगे। कौन सी ब्रिक काम में लेंगे? बेस रेसिस्टेंस ब्रिक। और बेस रेसिस्टेंस ब्रिक जो होती है बेटा, इसमें अपने काम करते हैं, इसमें सिलिका के कंटेंट को अपने क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं बेटा। जो सिलिका अपनी होती है, SiO2 जो अपने पास होता है, उसको बढ़ा देते हैं। बेस रेसिस्टेंस में किसको बढ़ाएंगे बेटा? MgO को बढ़ाएंगे। और न्यूट्रल ब्रिक जो होती है उसमें अपने किसको इंक्रीज करते हैं? Al2O3 को इंक्रीज करते हैं बेटा। हैवी ड्यूटी ब्रिक, नॉट ए रिफैक्ट्री ब्रिक। ये अपने आप में कोई रिफैक्ट्री ब्रिक है ही नहीं। तो इसी के साथ अपना यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ज्योति गुप्ता एकदम सही कह रहे हो बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आपके कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बीएमसी में, जो एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको नोटबुक में क्लियरली देखने को ना मिले। द केमिकल यूज टू प्रोटेक्ट स्टोन, स्टोन को इंडस्ट्री में प्रोटेक्ट कर बेटा। इंडस्ट्रियल टाउन होगी तो वहां पर क्या होगा बेटा? पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जनरली क्या काम में लेते हैं? BaOH2 काम में लेते हैं बेटा। ये स्टोन के ऊपर आने वाले पोल्यूशन लेयर से उसको क्या करता है? बचाता है, या फिर कह दूं क्या बढ़ा देता है स्टोन का? स्टोन का जो केमिकल रेसिस्टेंस है उसका मान क्या कर देगा बेटा? स्टोन का जो केमिकल रेसिस्टेंस है उसके मान को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 128 की ओर आ जाइए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्प्रिट वार्निश बेटा? फ्रेंच वार्निश जो होती है, ये इसी का एक एग्जांपल है बेटा। अगर मैं बात करूं इस वार्निश के, तो ये वार्निश अपने यूज कहां करते हैं बेटा? इस वार्निश का यूज अपने करते हैं बेटा फर्नीचर पॉलिश में। किसमें यूज करते हैं बेटा? फर्नीचर की जो पॉलिशिंग होती है उसमें अपने इसको क्या करते हैं बेटा? काम में लेते हैं। 129 की ओर बात करें बेटा, इसमें दो लिस्ट को अपने को मैच करना है, एक हार्डनेस स्ट्रिक क्लेवेज और लुस्टर। तो हार्ड स्प्लिट द मिनरल अलोंग द पाइल्स ग्रेन, साइन द मिनरल सरफेस मोहज स्केल। एक बात क्लियर है बेटा, हार्डनेस को किससे मापते हैं? मोहज स्केल से मापते हैं। तो ए के साथ थ्री जिनमें नहीं है उन सबको क्या कर दीजिए बेटा? उड़ा दीजिए। दूसरा आता बेटा स्ट्रिक और क्लेवेज, मिनरल कलर इन पाउडर फॉर्म। मिनरल कलर इन पाउडर फॉर्म जो होता है बेटा स्ट्रिक होता है। बी के साथ फोर, बी के साथ फोर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो बी इज दी राइट ऑप्शन बेटा। बी यहां पर क्या होगा? बिल्कुल अपना सही जवाब मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। सी, सी क्लेवेज क्या है बेटा? सी के साथ फर्स्ट लिखे। क्लेवेज होता क्या है? क्लेवेज होता है इसका जो स्प्लिट प्लेन को डिफाइन करता है। क्लेवेज किसे डिफाइन करता है बेटा? डिफाइन दी स्प्लिट प्लेन। किसको डिफाइन करता है? स्प्लिट प्लेन को डिफाइन करता है। तो सी के साथ फर्स्ट आएगा, और सी के साथ फर्स्ट आकर के ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। और लुस्टर होता क्या है आपको जानते हो? जो मिनरल साइनिंग देता है उसकी पाउडरिंग फॉर्म को अपने क्या बोल देते हैं? लुस्टर बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कीजिए बेटा? जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कंसिडर्ड नेग्लिजिबल बेटा। वेरी लो तो मैं टेंशन को भी कह सकता हूं, नेग्लिजिबल कौन सी होगी बेटा? फटिक स्ट्रेंथ होगी बेटा। मैक्सिमम मुझे कौन सी मिलेगी? ये स्ट्रेंथ अपने को मैक्सिमम देखने को मिले, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल कितनी होगी बेटा? टेंसाइल कितनी होगी? ऑलमोस्ट 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। और ये जो फटिक होती है बेटा, ये ऑलमोस्ट कितनी होती है? जीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसमें कंक्रीट सबसे जल्दी बहुत कम लोड पर क्या कर जाती है बेटा? फेलियर कर जाती है। क्वेश्चन 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 131 की ओर आ जाइए। इन कंक्रीट वेल हैंड मिक्सिंग इज अडॉप्टेड, जब कंक्रीट में हैंड मिक्सिंग अडॉप्ट करते हैं बेटा, तो 10% एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाते हैं। किसके लिए मिलाते हैं? टू अचीव होमोजीनियस प्रॉपर्टी। किसके लिए मिलाते हैं बेटा? टू अचीव होमोजीनियस प्रॉपर्टी। होमोजीनियस प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए 10% एक्स्ट्रा सीमेंट यहां पर मिला करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहना चाह रहा है? द क्लास ऑफ फायर एज पर IS 1641-9060 विच इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ग्रेड फर्स्ट कैन वी विदस्टैंड। तो बेटा इसमें वेरी हाई स्ट्रेंथ रखते हैं, और वेरी हाई स्ट्रेंथ के साथ साथ इस तरह के ग्लास का जो टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है बेटा, क्या होता है बेटा? टेम्परेचर रेसिस्टेंस। दोनों स्थिति में हाई एंड लो टेम्परेचर का जो रेसिस्ट करने की पावर है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस इज ए वेरी हाई, टेम्परेचर रेसिस्टेंस इज ए वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर आ जाइए बेटा। द कॉन्क्रीट हैविंग स्लंप वैल्यू 7, स्लंप वैल्यू 7 है तो क्लियरली कौन सी कॉन्क्रीट होगी बेटा? प्लास्टिक कॉन्क्रीट होगी।
कौन सी कंक्रीट होगी? प्लास्टिक। ऐसे सीक्वेंस चलता है बेटा, पहले ड्राई आएगा, उसके बाद आएगी कौन सी? अर्थ मोइस्ट। अर्थ मोइस्ट के बाद बात करूं तो बेटा कौन सी आएगी? सेमी प्लास्टिक आएगी। कौन सी आएगी? सेमी प्लास्टिक। कौन सी आएगी? सेमी प्लास्टिक। और सेमी प्लास्टिक के बाद यदि बात की जाए बेटा, सेमी प्लास्टिक के बाद की जाए सेमी प्लास्टिक। सेमी प्लास्टिक के बाद कौन सी आती है बेटा? प्लास्टिक। और उसके बाद कौन सी आ जाएगी? सेमी फ्लूड आ जाएगी। ये सारी की सारी किससे डिसाइड होती है बेटा? ये सब के सब डिसाइड किससे होती है? स्लंप वैल्यू की, जो अपनी टेबल है आईएस कोड की, उससे डिफाइन होती है आईएस 456/2000। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है तो जल्दी से जाकर के इस क्वेश्चन को, आप उस टेबल को एक बार याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 134। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड अपने सब जानते हैं बेटा, कंक्रीट में एक एक्सीलरेटर का काम करता है। कैल्शियम क्लोराइड किसका काम करता है बेटा? एक्सीलरेटर का। यदि मैं बात करूं तो ये किसका काम करेगा बेटा? ये रिटार्डर का काम करेगा। और रिटार्डर क्या होगा बेटा? एग्जांपल के रूप में यहां पर शुगर होगा। एयर एंट्रिंग में बात करूं तो बेटा कौन सा हो जाएगा यहां पर? एल्यूमिनियम पाउडर यहां पर अपने क्या कर लेंगे बेटा? काम में लेंगे। प्लास्टिसाइजर की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? लिग्नोसल्फेट हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, इनकी जो डोज है वो भी आप याद रखना। और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करना चाह रहा है? कंक्रीट इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम। विद टाइम पूछ रहा है बेटा, डायरेक्ट कंक्रीट स्ट्रेंथ पूछता तो नॉन लीनियर वगैरह ऑप्शन अपने दे सकते थे। विद टाइम क्या होती है बेटा? ये स्पर्श उन्मुख होती है, आइसोमेट्रिक होती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद टाइम। इसका मतलब क्या होता है? जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद टाइम, बट रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज डिक्रीज। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डेवलप होने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, पर उसकी टोटल वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। और इसके बाद है आपकी ट्रांसपोर्टेशन हाईवे के क्वेश्चंस, जो भी आपसे कमलाकर से शुरू होंगे और वो आपको सोल्व करवाएंगे। तो आई होप आप सभी इस सेशन में बने रहिए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, सेशन में आप बने हुए हैं, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपके बच रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट और सर्वे का जो क्वेश्चन आपको हमने उसमें किया था, जो हमने दिया था क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सर्वे इन योर मॉक टेस्ट, वो जो है आपको वहाँ उसका सोल्यूशन हम कराएंगे। एंड अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं भी दिया तो भी आप यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि हम लोग उसको बेहतर तरीके से लेके चले। ठीक है, देखिए पहला जो है हमारा कि फॉर द वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स इन द रेकमेंडेड कैम्बर। कैम्बर देखिए, आपको पता है कि अगर हम कैम्बर की बात करते हैं तो कैम्बर की अगर आप बात करोगे तो आपको पता है कि सीसी पेवमेंट है या फिर जो है बिटुमिन की रोड है,
वेदर दिस इज बिटुमिन रोड, फिर आपके पास क्या है लो क्वालिटी बिटुमिन, लो टाइप बिटुमिन, आपके पास लो टाइप बिटुमिन होता है, देन देयर इज अ वाटर बाउंड मैकेडम या फिर ग्रेवल वाली रोड है, एंड देन यहाँ पे कौन सी रोड है, अर्दन रोड है। अब अगर मैं इसमें लो रेनफॉल और हाई रेनफॉल वाला ऑप्शन देखूं, एंड इफ आई एम गोइंग थ्रू लो रेनफॉल और हाई रेनफॉल का ऑप्शन देखता हूं, तो 1.7%, 2%, 2%, 2.5%, 3%, 4%, सॉरी 2.5 एंड 3, 2.5 एंड 3 है ना, एंड 3% एंड 4%। तो सर आंसर इसका होगा 2.5 एंड 3%। आप अलग ही दिख रहे हैं कभी कभी सिचुएशंस हो जाती हैं ऐसी। आप लोग आंसर इसका बताइए, आंसर इसका बताइए। तो आंसर इसका है दैट इज 2.5 to 3%। तो 2.5% से 3% का अगर जो ऑप्शन इसमें आएगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दिस विल बी व्हाट 1/33 से लेके 1/40 के आसपास आएगा, या 1/ अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे नो ऑप्शन इज मैचिंग, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये समहाउ इट इज वेरी क्लोजर, तो सी लगाना ही आपको ठीक पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब देखिए ऑन अ राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन, ठीक है, विद टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कंफ्लिक्ट पॉइंट इंक्लूडिंग द पेडेस्ट्रियन। देखिए क्या होता है टू वे ट्रैफिक के लिए, वैसे भी अगर आपका जो टू वे ट्रैफिक है तो टू वे ट्रैफिक के लिए वैसे तो कंफ्लिक्ट पॉइंट कितना होता है 24। तो आपको कन्फ्यूजन, चलो अगर हम 24 ऑप्शन में देते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती कि सर टू वे के लिए 24 होता है, लेकिन अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन केयरफुली, अगर आप क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ रहे हो, इफ यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग द पेडेस्ट्रियन कन्फ्लिक्ट, पेडेस्ट्रियन कन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो पेडेस्ट्रियन कन्फ्लिक्ट में आपको 8 हो जाएगा। हाँ श्रवण, बट ऑप्शन के हिसाब से जो है, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये 32, तो उसमें कोई, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है था, तो आपकी मजबूरी है कि आप उसको सी ही लगाएंगे, और यहाँ पे भी 32 हम लेके चलेंगे, एंड देन 32 में भी यहाँ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक, अगर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 138, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठंड नहीं आई है, ठंड आती तो फिर हम दाढ़ी मूंछ क्यों हटाते, ठीक है, यू नो यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, इतना तो आप समझ ही जाते हो कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग है। चलिए यहाँ पर आइए, नाउ क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि डबल बार आर यूज्ड इन द रिजिड पेमेंट फॉर। अब आपको पता है कि जो रिजिड पेमेंट होती है, तो उस रिजिड पेमेंट में बेसिकली अगर जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक इज गोइंग इन व्हाट इज दिस डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम डबल बार लगाते हैं। तो डबल बार का काम क्या है, एक स्लैब से दूसरे स्लैब को इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जोड़ देना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जोड़ देना, तो ये लोड ट्रांसफर करता है। गाड़ी यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो इट ट्रांसफर द लोड, तो ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, तो बी विल बी राइट आंसर। और ट्रांसफर करता है लोड, या फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं कीप्स द स्लैब इन सेम पोजिशन, स्लैब को क्या करता है सेम पोजिशन में रखता है, इट कीप्स द स्लैब इन सेम पोजिशन, स्लैब्स को किस में रखता है, सेम पोजिशन में रखता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेवलिंग। देखिए रेवलिंग जो होता है वो लॉस ऑफ बिटुमिन होता है, क्या होता है बिटुमिन का लॉस हो जाना, बिटुमिन का क्या हो जाना, हानि हो जाना, वो कहलाती है रेवलिंग। तो रेवलिंग जो है यू, तो रेवलिंग होने का कई कारण है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कम बिटुमिन का यूज़ करना। ज़्यादा बिटुमिन अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिटुमिन यूज़ करने पर वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, स्किडिंग वगैरह होती है, लेकिन रेवलिंग का मतलब होता है रफ़ सरफेस हो जाना। तो रफ़ सरफेस वगैरह तभी होता है जब आप बिटुमिन कंटेंट आपका लो हो, या फिर बिटुमिन कंटेंट क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत खासा ख्याल रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डेफिनेटली व्हाट, डी है ना। तो ये आपके लिए एक सवाल यहाँ पे बनेगा। नाउ अगला जो हमारा सवाल बनता है, अगला सवाल बनता है यहाँ। अब सर ये तो बहुत बेसिक सवाल है, क्या बोल रहा है सर, सॉफ्टनिंग पॉइंट, सॉफ्टनिंग पॉइंट कैसे निकालते हो आप, रिंग एंड बॉल अपैरेटस। सबसे पहला सवाल तो यही पूछता है क्या, सॉफ्टनिंग पॉइंट कैसे निकालते हो, रिंग एंड बॉल अपैरेटस से। और सॉफ्टनिंग पॉइंट होता कितना है, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है 35 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। सॉफ्टनिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, अगर हम बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे बिटुमिन जो है हमारा, बिटुमिन अटेंस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग। बिटुमिन क्या है, पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अटेन कर लेता है,
bitumen attains particular degree of softening. Bitumen particular degree of softening attain कर लेता है, ठीक. Next जो हमारा question है, a camber consisting of the two straight line. Now this is again good question. आपने जो camber पढ़े होते हैं वो basically या तो आप सीधा straight line वाला camber पढ़ते हो, या फिर आप क्या पढ़ते हो, parabolic camber पढ़ते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो straight line में parabola का mix करने वाला camber पढ़ते हो. Straight line में क्या करते हो, यू गो थ्रू द स्ट्रेट लाइन में पैराबोला को मिक्स करने वाला. अब इसमें जो कैम्बर है वो सर स्ट्रेट लाइन एक और दूसरा भी आपके लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन, दो अलग अलग ग्रेड पर. तो और इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगी क्योंकि खुल के एग्जाम उसमें लिख रहा है वो कि देर इज अ टू स्ट्रेट लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन है तो देर इज टू स्ट्रेट लाइन कैम्बर, तो टू स्ट्रेट लाइन इज द राइट आंसर देयर. बैरल कैम्बर आपका पैराबोलिक होता है. बैरल कैम्बर क्या होता है, पैराबोलिक. पैराबोलिक को ही बैरल कैम्बर कहते हैं, तो पैराबोलिक को ही बैरल कैम्बर कहते हैं. तो बैरल कैम्बर आपका बेसिकली ये हो गया, टू दो स्ट्रेट लाइन ये हो गया. कंपोजिट कैम्बर आपका, सॉरी, दो स्ट्रेट लाइन कैम्बर ये हो गया, टू स्ट्रेट लाइन कैम्बर आपका ये हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, टू स्ट्रेट लाइन कैम्बर ये हो गया, कंपोजिट कैम्बर आपके लिए ये हो गया, स्लोप कैम्बर आपका ये हो गया, ठीक है. तो स्ट्रेट कैम्बर और स्लोप कैम्बर, ठीक है, पैराबोलिक कैम्बर को ही बैरल कैम्बर कह दोगे, कंपोजिट कैम्बर या मिक्स कैम्बर, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ, तो दो स्ट्रेट लाइन का कैम्बर यहां पर ये आएगा. सो दिस विल बी द टू स्ट्रेट लाइन कैम्बर, दिस विल बी द टू स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक, करेक्ट. तो इसका बी नहीं, कंपोजिट नहीं होगा. कंपोजिट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन प्लस पैराबोलिक, स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक होता है, स्ट्रेट प्लस क्या होगा, पैराबोलिक होगा, तब जाके आप इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे. देन यू विल कॉल दिस, कॉल इट एज अ कंपोजिट, तब इसको आप क्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट कैम्बर. समझ गए, फाइन. तो ये है, और मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा इसको देखे, एवरी स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू दिस सॉल्यूशन. अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो भी आप बैठ के, आपको 100 सवाल टेक्निकल के मिल रहे हैं ना प्रैक्टिस करने के 2 घंटे में, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना 2 घंटे से भी कम समय में. तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप लाइव रहें और लाइव रह के जो है उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक. नाउ कम बैक टू अनदर पार्ट. अगला क्वेश्चन, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इन ट्रैफिक स्ट्रीम इज 50 मीटर, ठीक है. देन द डेंसिटी व्हीकल, आपको पता है कि डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है क्या, व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक. अब 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, और डेंसिटी कितनी है वाहनों की, डेंसिटी है 50 मीटर. तो आपको पता चल गया 20 व्हीकल पर किलोमीटर, तो 20 व्हीकल पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर. बिल्कुल प्रैक्टिस मॉक डेली, नहीं डेली तो नहीं होगा शिवा, हर संडे कराएंगे, मतलब संडे को. अच्छा, आप सभी को ये पता होगा ना कि ये प्रैक्टिस मॉक, ये जो सॉल्यूशन हो रहा है क्या हो रहा है, दिस इज द मॉक जो हमने क्या किया था, हमने कराया था आपको संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कराया था. उस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट को आप को हम यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहे हैं. वी आर हेडिंग और वी आर गोइंग विद सॉल्यूशन हियर, है ना, इसका टेस्ट हम करा चुके हैं. अगले क्वेश्चन पर आइए, द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द सिंगल लेन इन अ ब्रॉड. अब सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ब्रॉड गेज, कुछ रेलवे के सवाल हैं, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की क्या पूछिए आपसे, फॉर्मेशन विड्थ पूछिए. तो संडे संडे होता है ये मॉक टेस्ट, ये फ्री होता है आप सभी के लिए, एप्लीकेशन में भी आप दे सकते हैं, आप एप्लीकेशन में भी इसको दे सकते हैं, करेक्ट. और हर संडे संडे होता है, तो आप लोग पहले इसको रजिस्टर करिएगा, पहले रजिस्टर करिएगा एंड देन यहाँ पे दीजिएगा. तो फॉर्मेशन विड्थ की एक पूरी टेबल है, उसको आप याद कर लीजिएगा, 6.10, है ना एवरीवन. तो यहाँ पर के टेबल है. एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स. कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या होता है, देखिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या होता है, आपको पता है कि ये जो है ये क्या होती है, आपकी स्लीपर होती है. स्लीपर के ऊपर क्या लगी रहती है, स्लीपर के ऊपर रेल की पटरियां लगी रहती हैं, और इन रेल की पटरियों में जो ये जो स्लीपर है, इस स्लीपर, इसी स्लीपर की हम निकालते हैं क्या, सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी निकालते हैं कि ये स्लीपर कितना मजबूत है, यूज़ करने लायक है कि नहीं. तो सूटेबिलिटी के लिए क्या निकालते हैं, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स. क्या है इसका फॉर्मूला, S plus 10H by 20. S क्या होगी, स्ट्रेंथ इंडेक्स. S क्या होगी, स्ट्रेंथ इंडेक्स. H क्या होगी, हार्डनेस इंडेक्स. ठीक है, तो S plus, अब सूटेबिलिटी का मतलब है कि क्या इस्तेमाल करने लायक है.
क्या जो हमारा स्लीपर है वो इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं। तो जनरली ये वुडन स्लीपर की निकालते हैं। तो जैसे आपको मान लो ट्रैक पर स्लीपर है, तो ट्रैक पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग जैसे 783 के आसपास आना चाहिए। फिर बात करते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए, हर जगहों पे बात करते हैं, तो ब्रिजेस के लिए तो 783 ट्रैक का बताया मैंने, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए 1352, ब्रिज के लिए 1455, ठीक है, तो इसके लिए 783 हो गया। तो इतना आना चाहिए, है ना, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए 1352, ठीक है, जो हमारे ब्रिजेस हैं ब्रिजेस के लिए 1455। तो जब तक इतना नहीं आएगा कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, तब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दैट इज द गुड आइडिया हियर, है ना। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर्वेइंग का, वेरी नाइस क्वेश्चन, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल लाइंस जो है, जो किसी भी थियोडोलाइट की क्या है, जो फंडामेंटल लाइंस है, उन फंडामेंटल लाइंस को ठीक करना परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाता है। जो किसी भी थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइंस है, तो किसी भी थियोडोलाइट की जो फंडामेंटल लाइंस है, उन फंडामेंटल लाइंस को ठीक करना क्या कहलाता है, परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाता है। हाँ बिल्कुल, वुडन स्लीपर के लिए श्रवण, बिल्कुल वुडन स्लीपर के लिए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ इंडेक्स और हार्डनेस इंडेक्स निकालेंगे ये सिर्फ लकड़ी वाले स्लीपर के लिए निकालेंगे, तो ये बिल्कुल वुडन स्लीपर के लिए है, बिल्कुल वुडन स्लीपर के लिए है। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे आप वुडन स्लीपर ही यूज करते हो ज्यादातर, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे क्या यूज करते हो, वुडन स्लीपर ही यूज करते हो ज्यादातर, तो दैट इज राइट। यहां पर आइए, अब सर यहाँ पर फंडामेंटल लाइंस, जैसे किसी भी थियोडोलाइट में क्या होती है, बहुत सारी फंडामेंटल लाइन होती है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो आपकी लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है, वर्टिकल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जिसको ट्रांसवर्स एंड अजीमथ एक्सिस कहते हैं, प्लेट लेवल एक्सिस होती है, ठीक है, तो बहुत सारी लाइनें होती हैं, उन लाइनों के बीच का आपस में क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिलेशन होता है, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझो इसको, तो इसमें पूछा हुआ है आपसे कि क्या सीक्वेंस होगा, व्हाट विल बी द सीक्वेंस। तो सबसे पहले प्लेट लेवल टेस्ट करते हो, प्लेट लेवल को हॉरिजॉन्टल लाते हो, फिर उसके बाद क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट करते हो। क्रॉस हेयर रिंग का मतलब होता है जो दोनों क्रॉस हेयर हैं उन दोनों क्रॉस हेयर को क्या करते हो, 90 डिग्री होना चाहिए। बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट नहीं करते। देन यू विल डू कॉलिमेशन एरर इन अजीमथ, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, देखिए वर्टिकल सर्कल टेस्ट सबसे लास्ट में होता है, तो एफ सबसे लास्ट में होगा, तो ये तो हम पहले ही ऑप्शन हटा देते हैं। फिर उसके प्लेट लेवल टेस्ट सबसे पहले होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल ये सबसे पहले और वर्टिकल सर्कल का सबसे लास्ट में होता है। तो सर ए से स्टार्ट होगी कहानी, ए से स्टार्ट होगी कहानी, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी हटा दिया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर क्रॉस या रिंग टेस्ट आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद ई आता है, बिल्कुल पहले ये करोगे आप, देन आप ये करोगे, फिर देन कॉलिमेशन एरर इन अजीमथ टेस्ट करोगे, देन उसका स्पायर टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या होता है, स्पायर टेस्ट होता है, क्योंकि स्पायर टेस्ट ही लाइन ऑफ साइट को ठीक करता है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल करता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये करते हैं, देन बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट करते हैं, एंड देन लास्ट में वर्टिकल सर्कल। तो आपको जो हो रहा है ए बी, देन कमिंग आउट टू बी ई, देन कमिंग आउट टू बी डी, देन सी एंड देन एफ, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब सर ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरी जो एडजस्टमेंट्स हैं दिस यू हैव टू मेमोराइज अप, है ना। अगला क्वेश्चन, विच हैज इंटरनल कंपनसेटर मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइट। देखिए क्या होता है, जो आपके पास डंपी लेवल होता है, आपके पास जो डंपी लेवल होता है बहुत शॉर्ट एंड थिक होता है, और डंपी लेवल जिससे हम लेवलिंग करते हैं, तो उसको उसमें अगर लाइन ऑफ साइट वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे डंपी लेवल है, डंपी लेवल में टेलीस्कोप लगा है, टेलीस्कोप से आप क्या कर रहे हैं, सामने लेवलिंग कर रहे हैं, तो एक लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस लाइन ऑफ साइट को ठीक करते हैं। तो इसके लिए ऑटो लेवल होता है, तो ऑटो लेवल में क्या बटन होती है, तो 3-4 डिग्री तक का वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है, ऑटो उसका नाम ही ऑटो लेवल, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है लाइन ऑफ साइट। मतलब अगर जैसे डंपी लेवल में लाइन ऑफ साइट तिरछी है, या लाइन ऑफ साइट मान लो आपकी ऊपर है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो उस लाइन ऑफ साइट को ठीक करने के लिए डंपी लेवल में जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ऑटो लेवल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो ऑटो लेवल जो है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब इफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 2 mm एंड एंगुलर वैल्यू ऑफ डिवीजन इज 20 सेकंड। देखो जो सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी के दो फॉर्म, सेंसिटिविटी फॉर्मूला होता है अल्फा, सेकंड में क्या होता है एल बाई आर,
इंटू 20 6265 6265। अब अल्फा जो है कितना है, 20 सेकेंड दे दिया है, एल की वैल्यू दे रखी है 2 mm, तो 2 × 10⁻³ मीटर ले लिया, और आर की वैल्यू मीटर में चाहिए, और इंटू कन्वर्जन के लिए 20 6265 लेंगे, अदरवाइज रेडियन में आ जाएगा। तो जब तुम यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो तुमको जो आर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 × 10⁻³, ये उधर चला जाएगा वो इधर आ जाएगा, इंटू 20 6265 डिवाइडेड बाई 20। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.62। आप लोग बताओ, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो 20.62 जो आंसर आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर देयर। ओके, तो ये इसका सवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप देखते रहिए बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सर्वे विच इज मेड टू फिक्स द बाउंड्री लाइन्स द कैलकुलेशन ऑफ द लैंड एरिया और द ट्रांसफर ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ओनर टू अनदर ओनर, एक ओनर से दूसरे ओनर में। तो सर प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉपर्टीज लाइन के लिए, प्रॉपर्टी लाइन के किसी भी विवाद के लिए, प्रॉपर्टी लाइन के किसी भी विवाद के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैडास्ट्रल सर्वे। तो 47 उसका आंसर ए हो गया। अगला बोल रहा है कि अ सर्वे विच कंसिस्ट इन ऑब्जर्वेशन टू द हेवनली बॉडीज सन। ठीक है सर, आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछे हेवनली बॉडी या फिर कैसा क्वेश्चन पूछे, सेलेस्टियल बॉडी या फिर क्या पूछे, स्पेशियल बॉडी, इन सब के केस में एक ही ऑप्शन होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बिल्कुल, हाँ पिछले का आंसर ए होगा, यू आर वेरी राइट। जब भी प्रॉपर्टी की बात करता है तो प्रॉपर्टी की बात करता है शिवा, तो बात करती है कैडास्ट्रल सर्वे, और जब भी बात करता है कि सूरज चांद तारों की तुलना में किसी चीज को पता करना धरती की तुलना में, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। ठीक है, सेलेस्टियल नहीं होगा, भले सेलेस्टियल बॉडी लिखेगा बट सेलेस्टियल नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अगला क्वेश्चन है कि द एनुअल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में आपको पता है, मैग्नेटिक सुई क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, मैग्नेटिक सुई क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा एनुअल वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि धरती घूमती है अबाउट सन, पूरे साल एक साल में चक्कर लगाती है ना, इसके बारे में मैंने आपसे क्लास में भी एक बार डिस्कशन करा था। तो क्योंकि धरती घूमती है अबाउट सन, इसीलिए जो है यहाँ पर सी होगा इसका आंसर। ठीक, इसलिए यहाँ पे एनुअल वेरिएशन आता है। और दिस, ये क्वेश्चन तो यार तुमने सबने कर दिया होगा, और ये क्वेश्चन सबसे आसान सवाल होगा सर्वे का। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग ए की कितनी दे रखी है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट है, वेस्ट है, क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है कितनी, नॉर्थ 18 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, आपसे क्या पूछा है सर, होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 18 डिग्री 20 मिनट, तो 341 डिग्री 40 मिनट। तो 341 डिग्री 40 मिनट इज राइट आंसर। बिल्कुल, अर्थ घूमती है अबाउट सन, ठीक है, अर्थ घूमती है अबाउट सन और एक साल लगाती है, इसीलिए यहाँ पे एनुअल डिक्लिनेशन आता है। ठीक, और इसके लिए क्योंकि 341 डिग्री 40 मिनट। अब अगला जो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ थियोडोलाइट इज 3 डिग्री। तो एरर क्या होता है, तो फेस लेफ्ट मतलब जब कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वर्टिकल सर्कल हमारे टेलीस्कोप के लेफ्ट में होता है, उसको कहते हैं फेस लेफ्ट। हाँ, डायर्नल इज डेली वेरिएशन। बिल्कुल श्रवण, पहले मैं वहाँ बात कर लेता हूँ, डायर्नल क्या होता है, डेली वेरिएशन होता है। तो डेली वेरिएशन अपने खुद के एक्सिस पर जब घूमती है, ठीक है, जब खुद के एक्सिस पर घूमती है तो उसको डेली वेरिएशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, डायर्नल वेरिएशन कहते हैं। जब खुद के एक्सिस पर घूमती है वो शिवा, है ना श्रवण, ओन एक्सिस। तो इसमें कितना लगता है, 24 घंटे लगता है, 24 आवर लगते हैं धरती को अपने खुद के एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में, 24 घंटे लगते हैं, तो डायर्नल वेरिएशन है। लेकिन धरती ऐसे भी घूम रही है और सूरज का पूरा चक्कर भी लगा रही है, सूरज का चक्कर भी लगा रही है, तो सूरज का चक्कर लगाने में टेक्स 1 ईयर, इसलिए वो एनुअल वेरिएशन हो गया। ये भी हो गया था आपका, ये भी, हाँ। तो हमने कहा था फेस लेफ्ट, जब भी हम टेलीस्कोप से कोई रीडिंग ले रहे हैं और वर्टिकल सर्कल हमारे लेफ्ट में हो उसको कहते हैं फेस लेफ्ट, और जब भी हम कोई रीडिंग ले रहे हैं वर्टिकल सर्कल हमारे राइट में हो तो उसको कहते हैं फेस राइट। तो फेस लेफ्ट फेस राइट में जो भी अंतर होता है उसका आधा कर लोगे तो टोटल एरर। तो 3 मिनट का आधा हो गया 1.5 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड। तो 1 मिनट 30 सेकेंड इज राइट, 1 मिनट 30 सेकेंड इज
राइट वन। ओके, सर्वियर कंपास क्या होता है? तो सर जो जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो क्या बताता है? होल सर्कल बियरिंग। और जो सर्वियर कंपास है, जो सर्वियर कंपास है वो क्या बताता है? जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो बताता है, इट टेल्स यू होल सर्कल बियरिंग। एंड जो अच्छा होल सर्कल बियरिंग के लिए प्रिज्मेटिक कंपास 30 मिनट का इसका वो है, और सर्वियर कंपास के लिए 15 मिनट का इसका लीस्ट काउंट है। तो क्या पूछा आपसे, सर्वियर कंपास क्या बताता है? तो रिड्यूस्ड बियरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग यानी कि 0 से 90 डिग्री। ये कितना बताता है? होल सर्कल बियरिंग यानी 0 से 360 डिग्री। एंड दिस इज अनदर, बिल्कुल सबने आंसर किया है, अच्छा लग रहा है। देखो कुछ ऐसा नहीं है, पेपर में आपके आसान सवाल भी आएंगे, पेपर में आपके टफ सवाल भी आएंगे, पेपर ऐसा होगा कि पेपर विल बी वेरी इजी टू यू, है ना। चलो यहाँ देखो, सी हियर, व्हाट इज अ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर जो होता है, सिस्टमेटिक एरर जो है, इट इज अ काइंड, इट फॉलो सम मैथमेटिकल और फिजिकल रूल, कोई भी मैथमेटिकल या फिर आई वुड से दैट फिजिकल रूल फॉलो करता है। मैथमेटिकल या फिजिकल रूल फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि कोई क्यूमुलेटिव एरर। तो क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ें जो सिस्टमेटिक हैं, चीज़ें क्या हैं, सिस्टमेटिक हैं, तो दैट इज क्यूमुलेटिव एरर। तो इट इज क्यूमुलेटिव एरर दैट अकर्स अंडर द सेम कंडीशन। जैसे मान लो मेरी ये टेप है, अब ये टेप क्या हो जाए, लंबी हो जाए, तो मैं इसके द्वारा मापा गया हर मेजरमेंट मेरा क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो उसका एक सिस्टम है, मेरा लाइन ऑफ साइट है, तिरछा हो जाए, तो उसके द्वारा मापा गया जो रिजल्ट होगा वो एक सिस्टम में होगा, तो दैट विल बी सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो ये था, तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड सर्वे। अब आप बने रहे, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आके एफर्ट लगा रहे हैं, और बने रहिएगा। नाउ विल कम बैक, और अभी आपको आएंगे विनोद सर आपको वाटर रिसोर्सेज के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, एंड देन फिर आई बी बैक, एंड देन हमारी टीम आती रहेगी और इसी तरीके से सॉल्यूशन कराती रहेगी। आप बिल्कुल हौसला बढ़ाते रहिए और कमेंट सेक्शन को एंगेज रखिए। चलिए विनोद सर, देखेंगे हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के जो क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में पूछे गए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बेटा वो कुछ इस प्रकार है, क्या कहना चाह रहा है, एटमोमीटर इज यूज टू मेजर। एटमोमीटर को अपने किस पर्पज से यूज करते हैं, वाष्पीकरण के मेजर में करते हैं कि इवेपो ट्रांसपिरेशन के मेजर में करते हैं, या फिर ओनली ट्रांसपिरेशन के मेजर में करते हैं, या ऑल ऑफ अबो में, ये कौन सा मीटर है बेटा, कहां काम में आता है, जल्दी से कमेंट से बताइए मुझे ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑल ऑफ अबो सही नहीं होगा बेटा, ऑल ऑफ अबो सही नहीं होगा। शांति गणेश देखिए अपने बात कर रहा है किसकी, एटमोमीटर की, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, एटमोमीटर को कहां यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट से बताओ, क्या आपने इवेपो ट्रांसपिरेशन में करते हैं, ओनली ट्रांसपिरेशन में करते हैं, इवेपोरेशन में करते हैं, या फिर अपने ऑल ऑफ अबो किस में करते हैं बेटा। यहां जो इवेपोरेशन है इसमें तो अपने पेन भी यूज करते हैं बेटा, पेन भी यूज करते हैं, कौन कौन से पेन होते हैं, एक अपना रहता है क्लास ए, दूसरा रहता है बेटा ISI स्टैंडर्ड पेन रहता है, और तीसरा जो पेन रहता है बेटा अपना वो रहता है कोलोराडो संकन पेन। जल्दी से कमेंट्स में बताओ भी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा। ट्रांसपिरेशन में यूज करेंगे, इवेपो ट्रांसपिरेशन यूज करेंगे, कांति शाह, शिव प्रजापति, शंकर कुमार, 155, जल्दी से बताइए। और ट्रांसपिरेशन के लिए अपने स्पेशल तरह का एक पेन काम में लेते हैं बेटा, हार्ग्रोवियस पेन जिसको अपने बोलते हैं,
आर ग्रोवियस पेन जिसको अपने बोलते हैं बेटा, और इवेपोट्रांसपिरेशन में कौन सा काम मिलेंगे एचडी, इसमें अपने बात करूं डायरेक्ट एक एक मीटर की बात की जाए जिस चीज को मेजर करते हैं वो कौन सा होता है बेटा अपना एटमोमीटर। एन एरिया इज क्लासिफाइड एट ड्रॉट प्रोन एरिया बेटा, इज इज दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के आधार पर ड्रॉट प्रोन एरिया वो होता है जहां पर ड्रॉट की प्रोबेबिलिटी 20-40% तक होती है बेटा। कितनी होती है 20-40%, 40 से ज्यादा होती है उसको अपने बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ड्रॉट प्रोन एरिया, क्रोनोलॉजिकल ड्रॉट प्रोन एरिया, क्रोनोलॉजिकल ड्रॉट प्रोन एरिया अपने इसको बोलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 157 की ओर आ जाइए बेटा, क्या कहना चाह रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो वाज दी इंट्रोड्यूस टू केनेडी, केनेडी इक्वेशन इज क्रिटिकल वेलोसिटी टेक इनटू द अकाउंट ऑफ इफेक्ट, किसके इफेक्ट से लिया था बेटा, सिल्ट ग्रेड के इफेक्ट से लिया था ना बेटा, वी नॉट इज इक्वल टू 0.55 एम वाई की पावर 0.64, एम इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो कि सिल्ट ग्रेड पर क्या कर रहा था बेटा डिपेंड कर रहा था, और इसकी वैल्यू जो एम की ले रहे थे वो अपने ले रहे थे बेटा 0.7 से लेकर के एम को 0.7 से लेकर के लेस देने 1 तक जो वैल्यू ले रहे थे वो कर रहे थे किसके लिए, फाइन सिल्ट के लिए ले रहे थे बेटा, और जो वैल्यू एम इज इक्वल टू 1 ले रहे थे वो किसके लिए ले रहे थे बेटा अपने स्टैंडर्ड पार्टिकल के लिए ले रहे थे, किसके ले रहे थे बेटा स्टैंडर्ड पार्टिकल, और एम की वैल्यू 1 से अधिक और लेस देन इक्वल टू 1.2 ये किसके लिए ले रहे थे बेटा, ये कोर्स पार्टिकल के ले रहे थे, किसके ले रहे थे बेटा कोर्स पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 158 की ओर आ जाए बेटा, द एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए बी सी आर 170, 180 and 165 3 सेंटीमीटर। ए बी तीन स्टेशन है बेटा, एक स्टेशन नंबर ए है, एक स्टेशन नंबर बी है, एक स्टेशन नंबर सी है, इसके अंदर जो अपना नॉर्मल जो अपने को रेन मिल रही है, सामान्य जो रेन मिल रही है वो मिल रही है 170.6, 180.3 और मिल रही है बेटा 165.3, और किसी पर्टिकुलर साल में जो अपने को पीपीटी मिल रही है वो अपने को बेटा कितनी मिल रही है इन 87 पी मिल रही है 1987 का जो ईयर है, स्टेशन नंबर ए पे मिल रही है 145.1 और सी पे जो अपने को वैल्यू मिल रही है बेटा, ए पे जो वैल्यू मिल रही है 153, कितनी मिल रही है 153 सेंटीमीटर, और इसमें मिल रही है 145.1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू अपने से पूछिए। सबसे पहले अपने को ये देखना बेटा इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो देखना है बेटा, और देखने में पता चल रहा है डिफरेंस कितना है 10% का लेस 10% डिफरेंस है बेटा, कितना है लेस 10% का डिफरेंस ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है क्लियर। अगर डाटा को देखें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच डिफरेंस देखें 165 और 180 के बीच डिफरेंस देखें बेटा, ये डिफरेंस 10% से क्या आएगा बेटा अपने को कम देखने को मिलेगा। इस वजह से अपने इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन में लगाएंगे बेटा अर्थमेटिकल मीन मेथड लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में अपने अर्थमेटिकल मीन मेथड्स, अर्थमेटिकल मीन मेथड अपने यहां पर अप्लाई करेंगे। अर्थमेटिकल मीन में इन दोनों का अपने एवरेज लेंगे जो कि अपना निकल के आ रहा है 149.1 सेंटीमीटर। यदि ये 10% से डिफरेंस ज्यादा होता तो अपने नॉर्मल रेशियो मेथड्स काम में लेते और फॉर्मूले से क्या कर देते इन वैल्यू को कैलकुलेट कर देते। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहना चाह रहा है, ए स्टेटमेंट ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ का जो ऑर्डिनेट है ऑफ कॉमन बेस पीरियड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये बेटा क्या कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, क्या कहलाता है बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी कहलाता है। इसी की वजह से तो एरिया ऑफ जो डीआरएच है बेटा, एरिया ऑफ जो डीआरएच है वो किसके बराबर है बेटा वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के बराबर है, किसके बराबर बेटा वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहना चाह रहा है, ए रेनफॉल विद इंटेंसिटी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6.5, देखिए बेटा इधर 0 से लेके 2.5 तक थी तो जब तक तो मैं इसको क्या बोल रहा था बेटा लाइट रेन, और ये वैल्यू 2.5 से लेकर के 7.5 तक है तब तक मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा मॉडरेट रेन बोलूंगा, तो मॉडरेट रेन इज दी राइट आंसर, और ये वैल्यू मोर देन 7.5 होते ही किस कैटेगरी में आ जाएगी बेटा हेवी रेन की कैटेगरी में आ जाएगी। इधर क्या लिया गया है, इधर लिया गया है बेटा रेनफॉल इंटेंसिटी, और रेनफॉल इंटेंसिटी किस में लिया है बेटा सेंटीमीटर पर आवर में, इधर क्या लिया है बेटा इस साइड लिया है अपने टाइप ऑफ रेन को लिया है। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहना चाह रहा है, ड्रेनेज डेंसिटी बेटा, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है बेटा, बात करूं मैं ड्रेनेज डेंसिटी,
ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है बेटा, पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर एरिया में टोटल लेंथ ऑफ चैनल क्या कहलाता है बेटा, ड्रेनेज डेंसिटी। अगर वहां पर ये इसकी बजाय नंबर्स ऑफ ड्रेन के साथ डील करना स्टार्ट कर दे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रीम डेंसिटी कहलाएगा। दोनों चीजें एकदम क्लियर, दोनों अलग अलग ध्यान में रखना बेटा। पर मीटर स्क्वायर एरिया लिया मैंने किसका, कैचमेंट का, उसमें टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम देख रहा हूं तब तो ड्रेनेज डेंसिटी, नंबर्स ऑफ स्ट्रीम देख रहा हूं तब कौन सा होगा बेटा, स्ट्रीम डेंसिटी होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 की ओर है। इफ ऑब्जर्व एनुअल रन ऑफ फ्रॉम ए बेसिन इज 1500 किलोमीटर स्क्वायर 150 मिलियन मीटर क्यूब एंड द कोरस्पोंडिंग रेनफॉल ओवर द बेसिन ड्यूरिंग द सेम ईयर इज 750 mm, देन द रन ऑफ कोफिशिएंट। अपने जानते हैं बेटा रन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला जनरली होता क्या है बेटा, जनरली मैं देखना चाहूं तो अपना आने वाला रन ऑफ कोफिशिएंट होता है क्या है बेटा, रन ऑफ कोफिशिएंट होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। रन ऑफ कितना है 150 × 10^6, रेनफॉल कितना है बेटा 500 km² तो एरिया है और कितनी रेनफॉल हो रही है 0.750 मीटर। यदि मैं इसको इससे कैंसिल आउट करता हूं तो फाइनल रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है 0.40। सी इज दी राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। एक 6 आवर स्ट्रॉम है 10 cm रेनफॉल एंड दी रिजल्टिंग रन ऑफ इज 4 cm फॉर दी सेम इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, व्हाट वुड बी रन ऑफ ऑफ 12 आवर स्ट्रॉम हैविंग रेनफॉल इज 16 cm। सीधा सीधा देखिए बेटा, सबसे पहले बात करता हूं मैं स्ट्रॉम फर्स्ट के साथ डील करता हूं। स्ट्रॉम फर्स्ट के साथ डील किया तो ये कहना चाह रहा है फाई इंडेक्स क्या होता है, पीई माइनस आर अपॉन टीई। पीई कितना है बेटा यहां पर 10 cm, रन ऑफ कितना है बेटा यहां पर 4 cm, टाइम कितना है 6, तो कितना मिल गया मुझे 1 cm/h। अगर मैं बात करूं वही पॉइंट अगर स्ट्रॉम नंबर सेकंड के साथ डील की जाए तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, रन ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन टी। दूसरी रेनफॉल आ रहा है, टाइम कितना है दूसरी रेनफॉल में 12 आवर्स है, फाइन इंडेक्स कितना है 1 cm/h है, टोटल रेनफॉल कितना है बेटा 16 है, माइनस रन ऑफ अपने कैलकुलेट करना है तो रन ऑफ कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4 cm, यहाँ पर रन ऑफ मुझे देखने को मिलेगा बेटा। एकदम सही है ना बेटा इसका आंसर, ए इज दी राइट ऑप्शन। और इसी के साथ आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो बेटा ये क्वेश्चन अपना सोइल मैकेनिक्स का है और इसी के साथ अपने एस्टिमेशन के कुछ क्वेश्चन के साथ डील करेंगे बेटा। एस्टिमेट के कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए बेटा तो क्वेश्चन नंबर अपने देखने को मिलेगा 175 या 174। पिक अप दी, ये अपना सोइल का है बेटा। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा 175 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द एक्सेप्टेड आउटर्न ऑफ सोविंग ऑफ हार्डवुड। बेटा यहां पर यदि बात की जाए किसकी, हार्डवुड की बात की जाए तो एक्सेप्टेड आउटर्न होता है 4 m² per mason/day। अगर वो बात कर ले बेटा किसकी यहां पर है, सॉफ्ट वुड की, तो ये कितना हो जाता है बेटा 6 m² per mason/day। तो 4 इज दी राइट आंसर और 6 किसके लिए हो जाएगा बेटा, सॉफ्ट वुड के लिए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्यूबिक मीटर 10 m² ऑफ सीमेंट प्लास्टर 12 mm थिक यूजिंग सीमेंट मोटर रेशियो 1:3। कंसिडर 20% वेस्टेज, इसने नहीं कह दिया बेटा 20% वेस्टेज कंसिडर करना है। एरिया कितना है प्लास्टरिंग का बेटा 10 m², थिकनेस कितनी है बेटा 0.012 मीटर। तो यहां पर मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 × 0.012, और यहां पर मैं अगर 20% वेस्टेज के साथ वॉल्यूम लेता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा 10 × 0.012 × 1.20। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें बेटा, ड्राई वॉल्यूम में, तो 10 × 0.012, एक मिनट रुकिए बेटा, अगर मैं इसको किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो 10 × 0.012 × 1.20 × 1.30 m³। यहां से मुझे चाहिए क्या बेटा, ओनली सीमेंट चाहिए। रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 6 = 7 × 10 × 0.012 × 1.20 × 1.30। कैलकुलेट करके देखिए बेटा क्या आंसर मुझे यहां पर देखने को मिलता है 176 का। सिविल अपीयरेंस 176 को देखिए बेटा, ये मुझे नियर बाई सी के आसपास देखने को मिलेगा 0.025, ये ऑप्शन मुझे यहां पर देखने को मिलेगा बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, इन प्लास्टरिंग फॉर ओपनिंग मोर देन 3 m² इट रिडक्शन इज मेड फॉर बोथ फेस ऑफ ओपनिंग, दोनों फेस करेंगे, जेम्स करेंगे, सॉफिट करेंगे और सिल करेंगे, सारा का सारा डिडक्ट हो जाएगा बेटा। सीधा सीधा रूल की बात करूं बेटा, 0 से लेकर 0.5 m² तक की क्या है अपने पास ओपनिंग है,
तब तक अपने कोई समस्या नहीं है बेटा, नो डिडक्शन, तब तक अपने किसी तरह का कोई डिडक्शन करते ही नहीं है। अगर अपने पास 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक है तब अपने क्या करते हैं बेटा, 50% डिडक्शन करते हैं, और यदि एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तब अपने क्या कर देते हैं बेटा, 100% क्या कर देते हैं, डिडक्शन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए बेटा, दी टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट क्रशिंग इज ड्यू टू द ओरिजिनल एक्टिविटी इज दैट हु द बिकम द क्रिटिकल एनी स्टेज ऑफ क्रशिंग ऑफ ऑर्डर इज असेंडिंग कॉस्ट स्लोप। मूल क्रांतिक जो प्रक्रिया अपने को देखने को मिल रही है बेटा, मूल क्रांतिक जो अपने को प्रक्रिया देखने को मिल रही है उसको अरोही क्रम में अपने क्या करेंगे, सेट करके उससे अपने इस वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा, डिफाइन कर देंगे। तो इसी के साथ एस्टिमेट के कुछ क्वेश्चंस जिसको अपने डील किया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 74, 75 एंड 76 के साथ हमने डील किया था। क्वेश्चन नंबर 74 अगर देखें बेटा तो एक क्वेश्चन अपना एस्टिमेट का और रह जाता है, वो है पिकअप द एक्सिक्वेशन वेयर इज मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वेयर मीटर। बेटा स्क्वेयर मीटर में कब तक करते हैं, देखो बेटा एक बार के लिए एक्सिक्वेशन को मीटर स्क्वेयर में कब तक करते हैं, जब तक अपने को मिलने वाली लीड लेस देन इक्वल टू 30 मीटर हो और मिलने वाली जो लिफ्ट है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर हो। मीटर क्यूब में कब कब करेंगे बेटा, मीटर क्यूब में कब करेंगे, जब अपने को मिलने वाली लीड मोर देन हो किससे, 30 मीटर से, और मिलने वाली जो लिफ्ट है मोर देन हो किससे बेटा, 1.5 मीटर से। इन सिचुएशंस में अपने इसके साथ क्या करते हैं बेटा, डील करते हैं। और इसी के साथ अपने देखना चाहें तो ड्रेसिंग अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ है तो ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी बेटा, ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर। और दूसरा ऑप्शन जल्दी से मुझे इस ऑप्शन में देख के बताइए बेटा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्यूरेट होगा, सरफेस ड्रेसिंग अप टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा उसके अलावा मीटर स्क्वायर में कब कब मेजर करेंगे, जब अपने को क्या करनी हो बेटा, सरफेस ड्रेसिंग करनी हो, जब अपने को क्या करनी हो बेटा, हाउस कीपिंग करनी हो, ये सारी सिचुएशन भी तो किसकी है बेटा, मीटर स्क्वायर की है ना। तो बी ऑप्शन यहां पर क्लियर इसको जस्टिफाई कर रहा है बेटा। 30 सेंटीमीटर का मतलब है यहां तक के यदि प्लांट भी है तो उनको भी अपने क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे बेटा। जनरली 20 सेंटीमीटर होता है पर नियर बाय अपने 30 सेंटीमीटर भी ऑप्शन में इसमें लेकर के चल सकते हैं। इसी के साथ तो नेक्स्ट अपने सोयल मैकेनिक्स के क्वेश्चन दिलीप सर भी आपको करवाएंगे बेटा, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, थैंक यू। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस स्टील के जो यहाँ पे बच गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कशन में हम लाएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे किसकी, कि आपके पास पांच तरीके की स्टील है, स्लॉट वेल्ड है, सीम वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है, प्लग वेल्ड है, बट वेल्ड है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कब हम इनकी वेल्डिंग करते हैं, एंड दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सर सबसे पहले बोला स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, आप समझ रहे हो। हाँ जी, एस्टिमेट के उतने ही क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर आइए, डायरेक्ट टेंशन या डायरेक्ट कंप्रेशन, तो सर किसी भी चीज को डायरेक्ट टेंशन या डायरेक्ट कंप्रेशन में रखना, ठीक है,
तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप ग्रूव वेल्डिंग करते हो या स्लॉट वेल्ड करते हो, बट वेल्ड कहते हैं इसको, बट कहते हैं, हेड टू हेड आप ज्वाइन कराते हो बट वेल्ड। तो ए का क्या हो गया आपका 5, ए का जैसे 5 हो गया दो ऑप्शंस आपके हो गए गायब, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि स्ट्रक्चर जो है जॉइनिंग टू सर्फेस अप्रॉक्सीमेटली एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो इन्हीं टू सर्फेस को, देर आर जॉइनिंग टू सर्फेस एंड अप्रॉक्सीमेटली एक सर्फेस 1 हो गया एक सर्फेस 2 हो गया एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली एट वॉट राइट एंगल, राइट एंगल पर यू आर जॉइनिंग देम अप्रॉक्सीमेटली। तो राइट एंगल पे करने का, तो ये आपका बट वेल्ड है और ये जो है आपका क्या है फिलेट वेल्ड है, ये क्या है आपका फिलेट वेल्ड है, तो फिलेट वेल्ड, तो इसका होगा फिलेट वेल्ड, तो फिलेट वेल्ड होगा यानी बी का 3। तो जैसे ही आपको बी का 3 मिला आपको ऑप्शन नंबर सी मिल गया, ठीक, आपको क्या मिल गया ऑप्शन नंबर सी मिल गया, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, डोंट नीड टू गो, होल इज मेड इन वन ऑफ द मेंबर एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द होल, इस तरीके से होल बना के और होल के पेरिफेरी पे आपको करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्लॉट वेल्ड, स्लॉट बनाते हैं तो दैट इज स्लॉट वेल्ड कहते हैं, इसको कहते हैं स्लॉट वेल्ड, इसको क्या कहते हैं स्लॉट बना के उस पर वेल्डिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद है जो है हम जब प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने को सीम वेल्ड कहते हैं, तो प्रेशर लगाने को सीम वेल्ड कहते हैं, तो दैट विल बी अगेन गुड आइडिया, है ना। और प्लग वेल्ड भी एक वेल्ड होता है, तो प्लग वेल्ड में क्या होता है कि हम पॉइंट आउट पॉइंटिंग करते हैं, तो इस तरीके से है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बेंडिंग कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली कैलकुलेटेड। देखिए जो कंप्रेशन है वो किया जाता है किस एरिया पे, ग्रॉस एरिया पे, ग्रॉस एरिया पे, और टेंशन जो किस पे किया जाता है, किया जाता है नेट एरिया पे। क्यों? क्योंकि सर नेट रिडक्शन ऑफ द होल का फर्क पड़ता है, रिडक्शन ऑफ द होल का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, देर इज अ इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑन द होल, ठीक है, देर इज इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑन द होल। तो सर ये ग्रॉस एरिया के लिए आपके पास है ये, और नेट एरिया के लिए आपके पास क्या है ये, ठीक। तो हम बात करते हैं कंप्रेशन, तो कंप्रेशन क्या है ग्रॉस एरिया, एंड हम बात करते हैं टेंशन, तो टेंशन के लिए क्या है हमारे पास नेट एरिया, एंड दैट इज अगेन अ गुड प्लान हियर, ओके। अगला क्वेश्चन बोला है कि द थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट इन द टेंशन। तो आपको पता है कि सर टेंशन के लिए 16 थी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लेंगे यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पे ले लीजिए पिच की, यहाँ पे बात करिए, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, पिच की बात कर रहा, तो पिच का मतलब है, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें बात कर रहा है, बताइए, सो दैट विल बी व्हाट 16T और 200, ठीक है। देखिए टेंशन की अगर हम जैसे दो प्लेट्स की बात करें, और इनमें अगर हम क्या लगा रहे हैं, इनमें अगर हम लगा रहे हैं कंप्रेशन, तब तो कंप्रेशन के लिए लिमिट है 12T और 200 में से जो मिनिमम हो वो। लेकिन अगर इन्हीं दो प्लेट्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ा हुआ है हमने, और हम इनमें क्या लगा रहे हैं, टेंशन लगा रहे हैं, तो टेंशन में क्या होता है, देयर इज अ लेस चांस ऑफ बकलिंग, बकलिंग होने का जो चांस है वो बहुत कम होता है, इसीलिए 16T और 200 में से जो भी मिनिमम हो। तो 16T और 200 यानी कि टी अगर हमारा कितना है, टी अगर हमारे पास 10 है तो 16 × T कर कितना हो जाएगा 160। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि इन अ गसेट बेस, अब गसेट बेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई फुटिंग है, और उस फुटिंग पर आपको क्या रखना है, कोई आई सेक्शन रखना है मान लो, तो उस आई सेक्शन को रखने के लिए आपने यहाँ पे क्या रखा है, एक प्लेट की बात करी है, प्लेट की, तो गसेट बेस है, तो गसेट बेस में फिर इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, गसेट मतलब एक प्लेट होता है, गसेट यहाँ पर एक क्या होता है, एक प्लेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गसेट बेस व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम इज मशीन्ड, कॉलम के एंड को नीचे स्मूथ कर रखा है, ठीक है, मशीन्ड मतलब स्मूदिंग कर रखी है, फॉर कंप्लीट बियरिंग, फिर भी 50% बियरिंग से ट्रांसफर होगा, 50% फास्टनिंग से ट्रांसफर होगा, अगर रफ होता तो पूरा का पूरा फास्टनिंग से ट्रांसफर होता, देन क्या होता, पूरा का पूरा किससे ट्रांसफर होता, फास्टनिंग से ट्रांसफर होता, तो याद रखिएगा। तो अगर ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है मशीन्ड है, तो 50% एंड फुल्ली थ्रू फास्टनिंग होता कब, जब ये चीज़ क्या होती, रफ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चंस है आपको कई तरीके के, यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आसान है, आप अगर आप बने भी रहेंगे, आप थोड़ा एक एक करके देखते भी हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे, आप यू लर्न अ लॉट अबाउट देयर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन द एक्सिस ऑफ द लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिवेट ग्रुप, सर उसी में लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिवेट ग्रुप, जो रिवेट ग्रुप है रिवेट ग्रुप के प्लेन में ही जो है एक्सिस है, तो
तो फिर सर वहाँ पे ओनली शियर आएगी, ओनली शियर आएगी, देयर विल बी नो टेंशन ऑन एनी अदर स्ट्रेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। यहाँ पे बात करते हैं टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग इन द प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर जो है बेसिकली क्या होता है, मूविंग लोड वगैरह के लिए। यहाँ पे जब जब हमारी बिल्टअप बीम है और बिल्टअप बीम कमजोर होती है, लोड ट्रांसफर नहीं कर पाती, तो फिर क्या करते हैं कि ऊपर एक प्लेट, नीचे एक प्लेट, बीच में एक प्लेट, और फिर क्या करते हैं यहाँ पर एक आई सेक्शन, यहाँ पर एक दूसरा आई सेक्शन, यहाँ पर एक आई सेक्शन, यहाँ पर दूसरा आई सेक्शन, यहाँ पर एक आई सेक्शन, यहाँ दूसरा आई सेक्शन, और यहाँ पर इनको ऐसे जोड़ के हम क्या बनाते हैं, मजबूत सेक्शन बनाते हैं, ठीक। और अगर ये मैंने सेक्शनल व्यू बताया, लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे आप तो इस तरीके से ये जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, मतलब ये। अब सर ये इस पर जब आप यहाँ पर लोड लगाएंगे, इस पर जब आप यहाँ पर लोड लगाएंगे तो ये बकल हो सकती है, मुड़ सकती है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी लगते हैं और वर्टिकल स्टिफनर भी लगते हैं। तो ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर के लिए क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर पहले तो सेंटर पे लगता है, फिर उसके बाद जरूरत पड़ती है तो कंप्रेशन जोन में लगाते हैं। तो कंप्रेशन जोन में कितना लगाते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन सेंटर वाला नहीं है तो कंप्रेशन जोन में, तो कंप्रेशन जोन में जो ऑप्शन होगा दैट ए ऑप्शन विल बी देयर, ए ऑप्शन विल बी देयर, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा फॉर द कंप्रेशन जोन। टैक रिवेट के लिए जो है, टैक रिवेट लोड ट्रांसफर नहीं करता, ये दो मेंबर्स को एक साथ रखने की कोशिश करता है। टैक रिवेट डज नॉट ट्रांसफर द लोड, ये दो मेंबर को एक साथ रखने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं 1000 mm, 1000 mm लेता है, ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, और इफ द प्लेन ट्रस है, जो प्लेन ट्रस सेटिस्फाइज द कंडीशन एम इक्वल टू 2j-3। हाँ, तो 69th क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हमने बात कर ली थी, ए वॉज देयर आंसर, बहुत बढ़िया। 70 के लिए देखिए दो तरीके के हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दो तरीके के हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होते हैं, पहले वो न्यूट्रल एक्सिस पे लगाए जाते हैं, लेकिन जब फिर और लोड बढ़ता है तो फिर उसको कहाँ लगा देते हैं हम लोग, कंप्रेशन साइड की तरफ लगा देते हैं। टेंशन साइड में नहीं लगाना होता हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, क्योंकि टेंशन साइड में बकलिंग होने के चांसेस हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग अच्छे हैं, होप सो, पुराने स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, ठीक है। ये हमने बात करी ली थी इसकी, यहाँ बात करते हैं आप प्लेन ट्रस सेटिस्फाइज एम इक्वल टू 2j-3। तो 2j-3 का आप फंडा जानते हैं, जे यानी जॉइंट, ठीक है, जे यानी कि जॉइंट और एम यानी कि मेंबर, तो ये जे इज जॉइंट एंड एम यानी कि मेंबर, तो फिर सर ये इंटरनली डिटर्मिनेट है, ठीक है इसका जो। हाँ जी बिल्कुल, पहचाने कैसे नहीं पहचानेंगे, अच्छे स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट जो हमेशा आंसर करते हैं और क्लासेस में आते हैं उनको पहचानते हैं, आज तो आप लोगों को मुझे पहचानना मुश्किल होगा। चलिए तो इंटरनली डिटर्मिनेट है वो, है ना, मेंबर उससे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो रिडंडेंट हो जाता है, और मेंबर अगर कम हो जाएंगे 2j-3 से तो वो डेफिशिएंट हो जाता है। तो 71 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो डेफिनेटली ए होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंट एरिया मेथड, देखिए मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है, मोमेंट एरिया मेथड क्या होता है कि हम SFD और BMD डायग्राम बनाते हैं, और उसी से हम जो है BMD डायग्राम बनाते हैं, और उससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो जितना आसान बेडिंगो डायग्राम बनेगा उतना ईजी होगा हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना, जितना ईजी या जितना ईजी बेडिंगो डायग्राम बनेगा तो हमारे लिए सबसे ईजी होता है क्या, कैंटिलीवर बीम के लिए बनाना, क्योंकि कंटिन्यूस बीम के लिए और फिक्स बीम के लिए हमेशा टफ होगा बनाना नहीं ठीक है, टफ होगा बनाना। तो 72 के लिए नहीं, बी तो फिक्स बीम के लिए तो बना ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि फिक्स बीम के लिए BMD बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगी, तो कैंटिलीवर बीम जो है, ठीक है, वो एक आसान उसका BMD बनता है, और आसान BMD बनता है इसलिए बहुत आसान होता है उसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल पाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड आपको पता है कि कैस्टिग्लियानो की थ्योरम से आती है, तो यूनिट लोड मेथड जो है उसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट, नहीं स्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल 100% सही, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए तो आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर द मटेरियल इज स्ट्रेंड वेल विद इन इलास्टिक लिमिट, सही बात है, उसमें यूनिट लोड यानी यूनिट डिफॉर्मेशन लगा के हम उसको स्ट्रेन कराते हैं, ठीक है, यूनिट डिफॉर्मेशन, और वो डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब किस में होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट में ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, कि स्ट्रक्चर इज रिडंडेंट, रिडंडेंट यानी कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर।
तो रिडंडेंट यानी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूनिट लोड मेथड नहीं लगती है। अब कुछ और सब्जेक्ट्स हैं आपके, कुछ और टॉपिक्स हैं आपके जिनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को कराने के लिए बाकी के जो फेलो फैकल्टीज हैं वो आएंगे और यहाँ से आपको बाकी कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराएंगे। और आपने भले ही मॉक टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है, बिल्कुल मॉक टेस्ट अगर नहीं दिया था आपने, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, फिर भी आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर लेनी है सो दैट कि कुछ सवाल आपको आसानी से यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। सो नाउ हम दूसरे फैकल्टीज आएंगे और बाकी के कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे कराएंगे, ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। सो मैं अनिल जांगिड़ अब आ गया हूं आपको प्रेजेंट करने सॉल्यूशन लेके, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेने। तो देखते हैं, आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है ना। बट मैच करिएगा और जो लोग जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देखिएगा क्यों इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो है वो क्या हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी questions of the fluid mechanics part, और fluid mechanics के part से questions हम बना रहे हैं। This is what 106 ये क्या कह रहा है बताओ जल्दी से और फटाफट answer बता दो, yes ना। शांति गणेश जी हेलो मेरे दोस्त, फटाफट गुप्ता जी everybody जो है ना वो जल्दी जल्दी से answer दे दो कि क्या होगा इनका answer, yes ना। ये बोल रहा है आपके पास कि venturi meters installed in a horizontal pipe the pressure is maximum, horizontal condition में आपने क्या लगा दिया सर, venturi meter लगा दिया, अरे yes or not, और वेंचुरीमीटर लगा दिया हॉरिजॉन्टल पाइप में, तो बताओ जरा। वो ये बोल रहा है कि सर ये एक वेंचुरीमीटर लगा दिया, सर ये वेंचुरीमीटर लगा दिया सर आपने, ठीक है ना, ये वेंचुरीमीटर लगा दिया सर आपने, बोल दो रे जल्दी से, ये वेंचुरीमीटर लगा दिया, तो बताओ जरा सर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम कहां पे होगा, प्रेशर जो है वो मैक्सिमम जो है वो कहां पे होगा। उसने ये पूछा है आपसे कि ये प्रेशर जो है वो मैक्सिमम जो है वो कहां होगा, ये आपके पास है। तो यहां से अगर हम बात कर लें सर, यहां से अगर मैं बात करूं तो यही तो कहानी दे रखी होती है आपको सर, ये सेक्शन 1-1 होता है, ये आपके पास सेक्शन नंबर 2-2 होता है, ये आपके पास कन्वर्जेंट पार्ट होता है, ये कन्वर्जेंट पार्ट होता है, ये आपके पास जहां एरिया मिनिमम होता है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, थ्रॉट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर, थ्रॉट बोलते हैं, और ये जो है वो आपके पास डाइवर्जिंग पार्ट होता है, बोलो रे जिंदा हो, यस ना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, अरे क्या बात है गुप्ता जी, ब्लेस यू मेरे दोस्त, यस ना। सो ये आपके पास क्या है सर, डाइवर्जिंग पार्ट है। तो वो बोल रहा है कि बताओ जरा सर यहां पे प्रेशर जो है वो कहां पे अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब मैं यहां बात करूंगा, देखो यहां एरिया जो है वो क्या हो रहा है सर, सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, फिर एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहां अगर हम बात कर लें मेरे दोस्त, यहां अगर हम बात कर लें तो क्या हो रहा है सर, एरिया कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, घटेगा। तो यहां आते आते सबसे मिनिमम प्रेशर जो है वो थ्रॉट सेक्शन पे होता है, अरे गुप्ता जी गलत बोल रहे हो, रहे मैक्सिमम पूछा है भाई, कम होगा यहां थ्रॉट पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा सर, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहां ऑप्शन देखो, एंट्री पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंट सेक्शन, मिड पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंट, मिड पॉइंट ऑफ द डाइवर्जेंट सेक्शन, थ्रॉट सेक्शन।
मिड पॉइंट ऑफ द डाइवर्जेंट सेक्शन पे मैक्सिमम होगा क्या? नहीं सर, यहां मैक्सिमम नहीं होगा, यहां प्रेशर बढ़ता जाएगा यहां पे जाके अधिकतम होगा, लेकिन फ्लो के डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा क्या होता है सर, घटता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपको कहां देखने को मिलेगा सर? एंट्री ऑफ द कन्वर्जेंट सेक्शन पर। तो एंट्री ऑफ द कन्वर्जेंट पोर्शन पर आपको क्या देखने को मिलेगा सर? प्रेशर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा वो कौन सा आएगा सर? ए आएगा। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए। शांति कनेर जी गलत आंसर बता रहे रे हैं, बावली कहीं की, यस ना। तो इस सवाल का जो आपके पास मैक्सिमम प्रेशर जो होगा आपके पास वो कहां पे होगा सर? मैक्सिमम प्रेशर एट व्हाट क्या सर? एट एंट्री पॉइंट सर। कहां पे होगा सर? एट द एंट्री पॉइंट ऑफ क्या सर? एट एंट्री पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन। एंट्री पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल देखो जरा क्या कह रहा है सर। 107 सर क्या कह रहा है? अरे यस ना, मैंने मिनिमम पढ़ लिया था। हाँ बस तुम यही करोगे और क्या, मैक्सिमम को मिनिमम पढ़ रहे हो तो फिर वहां पे वो अंकल नंबर कैसे देगा रे तुमको? हैं, कमाल कर रहे हो भाई। चलो नेक्स्ट सवाल देखो सर। इफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइपलाइन इज मोर देन 2800, पाइप में जो आपको रेनॉल्ड्स नंबर है मोर देन 2800 दे रखा है, देन द फ्लो इज कॉल्ड एज। सर अगर हम बात कर ले रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू 2000 है तो फ्लो कैसा है? बोलो रे सर, लेमिनार है। अगर आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2000 है बट लेस देन इक्वल टू कितना है सर? 4000 है, तो फ्लो कैसा है सर? ट्रांजिशन है। और अगर आपका रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 है तो फ्लो कैसा है सर? टर्बुलेंट है सर। कैसा है सर? टर्बुलेंट है। अभी आपका रेनॉल्ड नंबर 2800 है, इनके बीच में आ गया, यानी ट्रांजिशन फ्लो होगा, टर्बुलेंट होगा, नाइदर लेमिनार टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइंड लेमिनार। तो बताओ सर, ना तो लेमिनार होगा ना ही टर्बुलेंट होगा। मतलब इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कौन सा देखने को मिलेगा रे? बोल दो रे सर। मैं नहीं बोलूंगा, मत ही बोलो तुम। बी इज द करेक्ट आंसर सर, बी इज द करेक्ट आंसर, यस ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा क्या कह रहा है सर। 108, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। क्या क्वेश्चन पूछते हैं रे, हैं? ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है भाई? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो आपका अनुपात होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज व्हाट क्या सर? न्यू। और न्यू जो है वो आपके पास क्या होता है सर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है सर। इट इज व्हाट क्या सर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मुंडे हिलाओ जल्दी से। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या मिलेगा सर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी सी इज द आंसर सर। मैं ना बोलूंगा टननन। अरे यसना, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है सर? सी है। अरे यसना, हे भगवान मेरे तो गलत है। अरे बावली कैसे कैसे क्वेश्चन गलत कर रही है, प्रभु उठाओ इनको, गलत आंसर वाले को उठा लो। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए सर, क्या कह रहा है सर? ये बोल रहा है आपके पास कि वन डायमेंशनल फ्लो इज वन इन विच, वन डायमेंशनल फ्लो जो है वो क्या होता है सर बताओ, जिसमें वन डायमेंशनल फ्लो बोला उसने, वन डायमेंशनल फ्लो बोला। वन डायमेंशनल फ्लो मतलब समझ रहे हो क्या? एक दिशा के अलावा कहीं दूसरे जगह फ्लो नहीं हो रहा, यानी ओनली वन कॉम्पोनेंट, ओनली वन कॉम्पोनेंट या ओनली वन कोऑर्डिनेट इज वेरिंग सर, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज वेरिंग सर, केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? नो फ्लो इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, नो फ्लो इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन सर। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं होगा सर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई भी फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज व्हाट क्या सर? इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। बिल्कुल सही बात है, फ्लो की आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लो जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा सर? डी मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर नेक्स्ट सवाल देखिए सर, क्या कह रहा है? 110 सर, 110 क्या बोल रहा है सर? एल्कोहल इज यूज्ड इन द मैनोमीटर। क्यों यूज करते हैं एल्कोहल को सर? अरे यस ना, शांति जी बोल रहे हैं सर एफएम भूल गए, कब रिवीजन करा रहे हो? कराएंगे 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 कराएंगे, ठीक है ना। एल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर्स क्योंकि इट हैज लो वेपर प्रेशर, इट इज क्लियरली विजिबल, इट हैज लो सरफेस टेंशन, इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं सर, तो एल्कोहल जो है वो आपके पास क्या होता है, इसका जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। तो अगर लो डेंसिटी है, अगर डेंसिटी आपके पास कम है, तो आपके पास क्या होगा सर? कॉलम का जो हाइट है वो क्या होगा सर? ज्यादा आएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू कितना होता है सर? रो जी एच। और कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर रो जी एच कांस्टेंट है तो यहां पे H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी कम होगा तो H जो है वो आपके पास क्या आएगा सर? ज्यादा आएगा। तो हाइट जो है वो आपके पास क्या देखने को मिलेगा सर? ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इट कैन प्रोवाइड द लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, इट कैन प्रोवाइड द क्या सर? लॉन्गर कॉलम सर। तो D इज द करेक्ट आंसर सर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। 111 नंबर क्या कह रहे हैं सर? बोलो। डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जो है आपके पास, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द हेड लॉस कंपटीशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर। देखो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की अगर हम बात करें,
किसकी बात करें सर? डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये जो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है सर, ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता? बिल्कुल सर, वी कैन कैलकुलेट बाय द मूडीज डायग्राम सर, क्योंकि मूडीज डायग्राम जो है वो आपके पास क्या देता है सर, ये एक आपको रिलेशन देता है, यस ना, रिलेशन बिटवीन व्हाट क्या सर, बिटवीन द फ्रिक्शन फैक्टर एंड द रेनॉल्ड्स नंबर। फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में ये क्या देता है सर, आपको एक रिलेशन देता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा सर? ए रहेगा, यानी मूडीज डायग्राम बनेगा सर। बोल दो रे, बोलो यस सर। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है सर? ए है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको बोल रहा है 112 सर, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा है सर। किसकी सर? इंपल्स टर्बाइन की। तो इंपल्स टर्बाइन की अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर ले सर? इंपल्स टर्बाइन की अगर मैं बात कर लूं तो इंपल्स टर्बाइन के केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है सर? 1+cos(5/2) होती है सर, 1+cos(5/2) होती है, यस ना। जहां फाई जो है वो क्या है सर आपके पास? सर फाई जो है वो वेन एंगल होता है। फाई जो है वो क्या होता है सर? वेन एंगल होता है। कहां पे वेन एंगल है सर? ये एग्जिट पे वेन एंगल है। और यस ना, और फाई का जो वैल्यू होता है वो अराउंड कितना होता है सर? 10 से 20 डिग्री के आसपास होता है। अगर नहीं दिया हुआ होता है तो अप्रोक्सीमेटली अपन कितना लेते हैं सर इसको? सर अप्रोक्सीमेटली इसको हम 15 डिग्री के आसपास लेते हैं। चीजें समझ में आ रही है? और अगर मैं यहां पे नीटा मैक्स का वैल्यू 15 डिग्री के आसपास निकालता हूं तो ये कम्स आउट टू बी कितना सर? 98.29% मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है अगर फाई का वैल्यू 15 डिग्री लोगे तो। सो 1+cos(5/2) यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा रे? बोल दो रे, मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर आज तो। वेरी गुड, दिस इज व्हाट द ए सर। कौन सा सर? ए सर। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल देखिए सर। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कह रहा है सर आपके पास? 113 फॉर द विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। उसने बोला है पैरेलल प्लेट, पाइप नहीं बोला है। क्या बोला है? पैरेलल प्लेट बोला है। तो विस्कस फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, द लॉस ऑफ द प्रेशर हेड इज गिवन बाय। सो अगर हम बात कर रहे हैं लेमिनार फ्लो, किसकी बात कर रहे हैं सर? लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहे हैं सर। लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स की अगर बात करें तो लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ये जो हेड लॉस होता है वो कितना होता है सर? 12 μ u/L अपॉन कितना सर? रो जी टी स्क्वायर सर, जहां टी जो है वो आपके पास क्या होता है सर? ये जो टी है वो आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स सर। गेटिंग ना? अगर मान लो ये आपके पास लेमिनार फ्लो हो रहा होता किससे सर? लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप सर। लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप अगर ये हो रहा होता तो सर्कुलर पाइप के लिए ये जो हेड लॉस होता है वो कितना होता है सर? 32 μ u/L अपॉन रो जी डी स्क्वायर होता। यस ना, पाइप के केस में ये होता है और प्लेट के केस में ये होता है सर। बी पर टिक कर दिया जाए, क्या बात है। तो बी पर लॉक कर दो, 12 μ u/μ v/L अपॉन रो जी डी स्क्वायर। बिल्कुल लॉक कर दिया, बी को लॉक कर दिया सर, क्या बात है। दिस इज व्हाट द सवाल, फ्रॉम कहां से सर? फ्लूइड मैकेनिक्स से। यस, पाइप में 32 आता। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर, रीड करो। 114 ये बोल रहा है कि विच प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस हैज इट्स कंस्ट्रक्शन वेयर इन। कौन सी डिवाइस जो है वो बताओ जरा, कौन सी डिवाइस जो है वो आपके पास जो प्रेशर मेजर करती है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अपन जब करते हैं तो एक होलो मेटल ट्यूब हम यूज करते हैं, बेंट लाइक अ हुक, एक हुक के जैसे वो मुड़ी हुई होती है, अरे यस ना, और एंड जो है उसका क्लोज होता है, कनेक्टेड टू द डायल इंडिकेटर, और एक जो है वो उसका डायल इंडिकेटर से कनेक्टेड होता है सर। तो समथिंग लाइक दिस, कुछ कहानी ऐसे ही होती है सर। अगर आपको याद हो मेरे दोस्त, अगर इफ यू ऑल पीपल आर रिमेंबर दिस थिंग मेरे दोस्त, समथिंग लाइक दिस मेरे दोस्त, कुछ इस तरह से होती है। और ये इधर से आपके पास क्या होता है सर? ये एक एंड जो है वो क्या होता है सर? क्लोज्ड होता है। दिस इज व्हाट क्या सर? क्लोज्ड एंड। ये आपके पास क्या है सर? क्लोज्ड एंड होता है। और ये जो है वो आपके पास क्या है सर? ओपन एंड है। ये ओपन एंड है। इधर से आपके पास क्या होती है सर? एयर एंटर करती है। और ये जो है वो आपके पास कौन सी ट्यूब होती है सर? फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है सर। ये आपके पास फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। और इस फ्लेक्सिबल ट्यूब के एक एंड पर आपके पास क्या लगा होता है सर? ऐसा इंडिकेटर लगा होता है। और ये आपके पास क्या है सर? दिस इज व्हाट द इंडिकेटर। तो ये आपको क्या देता है सर? दिस इज व्हाट क्या, जैसे ही इसमें प्रेशराइज्ड एयर जाती है तो ये फ्लेक्सिबल ट्यूब स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होती है तो ये निडल जो है वो क्या करती है सर? मूव होती है। इसको हम क्या बोलते हैं सर? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट क्या सर? बोर्डन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं सर? बोर्डन ट्यूब बोलते हैं। मुंडी हिला दो अगर ये बात सबको समझ में आई तो। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आपको देखने को जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा रे सर? ए देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा सर? ए देखने को मिलेगा। मुंडी हिला दो इफ यू ऑल पीपल आर जिंदा मेरे दोस्त, इफ यू ऑल पीपल आर जिंदा। यस ना, चलिए। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट। ये फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट से क्वेश्चन थे।
अब बाकी की बात करेंगे, यसना सर आ रहे हैं और बाकी की सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डील करेंगे। दिस इज फ्रॉम माय साइड, तो मैं अनिल जांगिड अब आपसे विदा ले रहा हूं और आई होप कि ये सोल्यूशन जो है वो आपको समझ में आए होंगे। यसना मेहनत करते रहो मेरे दोस्त, क्योंकि अब जो है वो समय आ गया है, नजदीक आ गया है। यसना चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, बने रहिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पर, थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर, और आते हैं अपन सॉइल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर दिख रहा होगा कि क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट अ गिवन वाटर कंटेंट। कि क्या सर कंसोलिडेशन में रिडक्शन होता है क्या, किसका, एयर वॉइड्स का। और सेकेंड बोल रहा है कि सर कॉम्पैक्शन वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू द एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। तो सर ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है। हाय सर, सभी से आ जाइए यहां पर। देखो सर ये दोनों ही स्टेटमेंट थोड़े से गलत लग रहे हैं हमें। क्यों सर? क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर कह रहा है कि रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, एयर नहीं, कंसोलिडेशन में वाटर का एक्सपल्जन होता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। कॉम्पैक्शन वॉल्यूम रिडक्शन होता है बिल्कुल, इज ड्यू टू द एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर। नहीं सर, कॉम्पैक्शन के अंदर एयर और कंसोलिडेशन के अंदर वाटर, तो दोनों स्टेशन स्टेटमेंट क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया सर, गलत है सर, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, क्योंकि उल्टा लिख दिया है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिन जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था सभी का आंसर करेक्ट है, क्लियर हो गया। तो यहां पर कह रहे हैं सर कंसोलिडेशन किसके थ्रू होता है, तो कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, नहीं, रिडक्शन ऑफ वाटर, और कॉम्पैक्शन एयर से होता है। चलिए बोथ फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं अपन, इन कंपैरिजन टू अटरबर्ग लिमिट ऑफ नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल सॉइल को कंपेयर कर रहे हैं किसके थ्रू, एक्सपेंसिव सॉइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्मल सॉइल को एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी सर, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है सर एक्सपेंसिव सॉइल। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या, मोर लिक्विड लिमिट, लेस प्लास्टिक लिमिट, लेस श्रिंकेज लिमिट और मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो सर हमने कहा कि सर ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मॉन्ट मोरलाइट क्या पाया जाता है उसके अंदर, क्ले मिनरल पाया जाता है। तो उसकी लिक्विड लिमिट बिल्कुल सर 200 से 400% होती है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट लेस होती है, और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बिल्कुल ज्यादा होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है बिल्कुल ज्यादा होता है, मोर वॉल्यूम चेंज उसके अंदर देखने को मिलता है हमें। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। किसके रिगार्डिंग है, नॉर्मल सॉइल को कंपेयर किया जा रहा है किसके रिगार्डिंग, ब्लैक कॉटन सॉइल के रिगार्डिंग। तो उसका लिक्विड लिमिट भी ज्यादा होती है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी होता है, क्योंकि श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी रखती है ब्लैक कॉटन सॉइल, प्लास्टिक और श्रिंकेज लिमिट उसकी कम होती है। वेरी गुड, अब आते हैं अपन नेक्स्ट के अंदर, कंसोलिडेशन टाइम ऑफ सॉइल सैंपल की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेशन टाइम ऑफ सॉइल सैंपल की बात कर रहे हैं यहां पर। तो बताइएगा कंसोलिडेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि सर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन परमियबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ेगी तो कंसोलिडेशन टाइम बढ़ेगा क्या, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कम होगी तो कंसोलिडेशन टाइम बढ़ेगा क्या, या इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी और इंक्रीज विद एन डिक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी, बताइएगा क्या ऑप्शन होगा। तो हमने कहा कि सर
बात हो रही है कंसोलिडेशन की, तो हमने कहा कि सर टीवी इज इक्वल टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर, यहीं पता आता है टाइम, यहीं पर आता है टाइम, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा किसके रेस्पेक्ट में, कंसोलिडेशन के रेस्पेक्ट में। एक फॉर्मूला था के इज इक्वल टू सीवी एमबी गामा डब्ल्यू से बोलते हैं, कंसोलिडेशन इक्वेशन कहा जाता है। तो सीवी क्या हो जाएगा आपका, के अपॉन में एमबी गामा डब्ल्यू, तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर दें ये, तो टीवी क्या हो जाएगा, सीवी की जगह अपन ने के अपॉन में एमबी गामा डब्ल्यू पुट कर दिया, टी अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि सर टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो टाइम कौन सा है सर, ये रहा टाइम। किसके रेस्पेक्ट में पूछा, परमेबिलिटी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो परमेबिलिटी सर ये रही। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स टी, ये नीचे आ जाएगा वन अपॉन में के। तो यहां से कह सकते हैं क्या, यहां से कह सकते हैं क्या, अगर परमेबिलिटी बढ़ती है तो कंसोलिडेशन टाइम डिक्रीज होगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, कंसोलिडेशन टाइम ऑफ सॉइल सैंपल इंक्रीज विद डिक्रीज इन परमेबिलिटी, बिल्कुल परमेबिलिटी अगर कम होगी तो कंसोलिडेशन टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैसा रिलेशन है सर, इनवर्स है। दिखा यहां से कैसे निकाला, टाइम फैक्टर का फॉर्मूला अपन ने लगाया, इसी में टाइम आता है, इसके अंदर सीवी को अपन लिख दिया कंसोलिडेशन इक्वेशन से, के बराबर सीवी एमबी गामा डब्ल्यू, और सीवी हो गया के बाय एमबी गामा डब्ल्यू, इसको पुट किया अपन ने वहां पर, तो के और टी कैसे हैं सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि सर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि इंक्रीज विद डिक्रीज इन परमेबिलिटी, अगर परमेबिलिटी डिक्रीज होती है तो कंसोलिडेशन का टाइम बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा अपन ने कहा यहां पर एक और सर, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है यहां से, कि कह रहे हैं इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल कि कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी तो भी क्या होगा सर, हमारा कंसोलिडेशन का टाइम बढ़ जाएगा, जितनी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी उतना कंसोलिडेशन टाइम बढ़ जाएगा। और यहां से रिलेशन क्या था, इनवर्स, तो इंक्रीज टाइम इंक्रीज होगा जब परमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये रहा टाइम और परमेबिलिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन। तो ये भी आपका सही है, कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स अगर पूछता है ये भी। हाँ मैंने तो कंसेप्ट लगा दिया, बिल्कुल कंसेप्ट ही लगेगा, देखो यहां से कंसेप्ट से यह है आपका। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, फ्रिक्शन पाइल, डीप फाउंडेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रिक्शन पाइल आर मोर इफेक्टिव इन, किस केस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है, सॉफ्ट क्ले, डेंस सैंड, ऑर्गेनिक सॉइल या फिल्ड अप सॉइल, बताओ। तो हमने कहा कि सर फ्रिक्शन पाइल जो होती है ये सॉफ्ट क्ले के लिए प्रोवाइड की जाती है, फ्रिक्शन पाइल, इसके अंदर जो एक्शन होता है वो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू होता है, स्किन फ्रिक्शन सभी जानते हैं कि ये पाइल है, और पाइल के अंदर साइड से जो सॉइल है वो क्या करेगी, स्किन फ्रिक्शन लगाएगी। और ये कहां पर प्रोवाइड की जाती है, तो ये प्रोवाइड की जाती है सॉफ्ट सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, सॉफ्ट सॉइल या सॉफ्ट क्ले के अंदर प्रोवाइड की जाती है, क्लियर हुआ, फ्रिक्शन पाइल। आंसर क्या होगा आपका, कि फ्रिक्शन पाइल आर मोर इफेक्टिवली इन सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन अ सैचुरेटेड क्ले, एक सैचुरेटेड क्ले में वर्टिकल कट है जिसमें कोहेजन की वैल्यू है 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 0 डिग्री, यूनिट वेट ऑफ वाटर इज, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द थ्योरेटिकल डेप्थ ऑफ द क्ले विच कैन बी एक्सकेवेटेड विदाउट साइड कोलैप्स, के सर वो मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। यहां से याद आ रहा है किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, रिटेनिंग वॉल से क्वेश्चन है आपका, कोहेजन दे रखा है आपको, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 दे रखा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपको गिवन है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल डेप्थ आपको कैलकुलेट करनी है, जहां तक हमें बिना किसी सपोर्ट के अपन उस मृदा के अंदर, उस सॉइल के अंदर क्या कर सके, अपन एक्सकेवेशन कर सके, तो उसे क्रिटिकल हाइट कहते हैं, SC। SC का फॉर्मूला सभी को पता होगा, SC क्या होता है, 4C अपॉन में गामा अंडर रूट KA, 4C अपॉन में गामा अंडर रूट KA, यही होता है SC का फॉर्मूला, वर्टिकल डेप्थ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू लिखनी है आपको, जल्दी से अपन वैल्यू पुट कर दें, 4 कोहेजन कितना है 18 दे रखा है, 18 यूनिट वेट कितना है सर 18, और के हमने कहा सर के निकलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशियंट 1 - sin φ अपॉन में 1 + sin φ, और जब बोल दिया φ 0 है तो sin 0 0 होता है, तो के का मान क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये अपना 1 हो जाएगा, 18 से 18 कट गया, सीधा आंसर आ गया आपका 4 meter, SC क्रिटिकल हाइट कितनी आ गई 4 meter। डन, चले आगे अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अपन टिक कर दिया सभी ने, आंसर नंबर क्या आएगा आपका, ए 4C 4 meter। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कहा कि राफ्ट फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, कौन सी फाउंडेशन है, सबसे पहले सर राफ्ट फाउंडेशन है इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल,
सैंडी सॉइल पे कंस्ट्रक्ट की गई है. एज पर आईएस कोड द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड द मैक्सिमम लिमिटिंग सेटलमेंट रेंज आपको बतानी है. तो यहां पर कोडल वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो चीजें देखी जाती है सर उस कोडल वैल्यू के अंदर, क्या क्या देखी जाती है. तो यहां पर देखिएगा, एक तो होता है आपका परमिसिबल सेटलमेंट, परमिसिबल सेटलमेंट जिसको लिमिटिंग सेटलमेंट भी कहते हैं, और एक होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट. डिफरेंशियल सेटलमेंट हमने कहा कि परमिसिबल सेटलमेंट और कौन सी फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन. इसके अंदर क्या होगा तो अपन ने कहा ये क्ले के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैंड, और यहां पर भी दो होता है, एक क्ले और दूसरा सैंड, क्ले और दूसरा सैंड. क्ले के अंदर कितना होगा जल्दी से बताइए, तो क्ले के अंदर होगा 65 से 100 mm होता है. सैंड के अंदर कितना होता है तो 65 से 40 mm होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा सर क्ले के अंदर कितना होगा डिफरेंशियल, 40 mm होगा और सैंड के अंदर 25 mm होगा. अब यहां से उठा लीजिए, सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं, सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं. पहला पूछ रहा है डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट राफ्ट फाउंडेशन पे सैंडी सॉइल कितना 25. फिर पूछ रहा है कि आपका मैक्सिमम लिमिटिंग सेटलमेंट किसके अंदर, वही राफ्ट फाउंडेशन सैंडी सॉइल, तो 65 टू 40 या 40 टू 65. तो 25 ये और 40 65, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी सैंड के केस में. अगर सर ये क्ले के केस में पूछता तो वैल्यू अपने पास है कितना 40 हो जाता, और यहां पर 65 टू 100 मतलब ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए किस केस में सैंड की जगह वो क्ले बोलता. तो डन, तो डाटा आपको याद रखना है. इसके अलावा भी डाटा होते हैं, ये राफ्ट फाउंडेशन के लिए अपन ने कहा, इसी तरह से आइसोलेटेड फुटिंग के लिए भी होता है, वो भी आपको याद रखना है. ठीक है, क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन पाइल को डेंस सॉइल में नहीं लूज सॉइल में यूज करते हैं ना, पाइल फाउंडेशन लूज सॉइल में, डेंस सॉइल में तो एंड बेयरिंग पाइल यूज करेंगे. गुप्ता, डेंस सॉइल में तो एंड बेयरिंग पाइल यूज करेंगे. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन मीडियम विद सिंगल ड्रेनेज टू अंडरगो 90% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट वॉज एस्टिमेटेड एज 36 ईयर्स, ऑल अदर कंडीशन रिमेन्स द सेम. आपने आइसोलेटेड कर दिया, और कहां आइसोलेटेड कर दिया, ये राफ्ट का ही है बेटा, ये राफ्ट का ही है, राफ्ट आइसोलेटेड इसमें सेम होता है. इसके अंदर आइसोलेटेड में सिंगल वैल्यू होती है, आइसोलेट का मतलब होता है हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल फुटिंग होती है, तो उसके लिए सिंगल वैल्यू आएगी. ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल वैल्यू आ रही है किसके लिए थी, राफ्ट के लिए होती है. क्लियर हो गया हाइड्रोलॉजी. फिर कंडीशन रिक्वायरमेंट सेम कंडीशन है, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड इफ द मीडियम हैज डबल ड्रेनेज सिस्टम. अरे तो डायरेक्टली अगर बिना सॉल्व करे भी आप इसका आंसर बता सकते हो. कैसे, अगर आपने क्लास ली है तो वहां पर बताया गया है कि सिंगल ड्रेनेज सिस्टम और डबल ड्रेनेज सिस्टम, सिंगल ड्रेनेज सिस्टम और डबल ड्रेनेज सिस्टम में कितना डिफरेंस होता है सर, 4 times होता है. देखा था आपने कितना होता है, 4 times. तो चाहे तो सीधे डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 9 36 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा. और नहीं, अगर ऐसा नहीं पता तो आप उसको पूरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले से सॉल्व भी करा देते हैं आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हमने कहा कि सर टाइम फैक्टर टीवी इज इक्वल टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर, ये हो गई कंडीशन नंबर 1. टीवी इज इक्वल टू सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर, ये हो गई कंडीशन नंबर 2. एक कंडीशन हो गई सिंगल ड्रेनेज सिस्टम में, तो टीवी 1 ये 1 1 और ये 2 2. ठीक है, हमने कहा सर 90% ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, ये है ना, ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है. जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब होता है यू परसेंट, और यू परसेंट पर टीवी क्या होगा आपका 90% पे, दोनों सेम होंगे तो टीवी टीवी सेम होंगे, तो हो गया सीवी 1 टी 1 अपॉन में डी 1 स्क्वायर और सीवी 2 टी 2 अपॉन में डी 2 स्क्वायर. क्यों, 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पर टीवी की वैल्यू क्या होती है सर, सेम होती है, सेम होती है. तो ये टीवी 1 बराबर टीवी 2 हो गए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर दिया, सब कंडीशन सेम है, तो सीवी भी क्या होगा आपका सेम होगा. अब यही तो पूछ रहा है कि सर टाइम कितना लगेगा, तो पहले पे टाइम दे रहेगा 36 ईयर, तो ये अपन ने लिख दिया 36 ईयर. सिंगल ड्रेनेज सिस्टम है तो डी 1 स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं एच होगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा. सिंगल ड्रेनेज सिस्टम में पूरी लेंथ को ट्रेवल करना होता है, और अपन ने बोला टी 2, टी 2 निकालना है, और डबल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कितना होगा ये एच बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 36 एच स्क्वायर, ये टी 2 अपॉन में एच स्क्वायर बाय 2 टू 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा.
4 ऊपर चल जाएगा, H2 कैंसिल आउट हो गया और T2 क्या हो गया 36 डिवाइड बाय 4, तो 49 जा 36 9 इयर्स, ऐसे भी निकाल लो जैसा मन करे वैसे, ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। नहीं तो हमें पता है डायरेक्टली कि सिंगल और डबल डीएनए सिस्टम में क्या रिलेशन होता है, 1/4, बिल्कुल, तो 1/4 टाइम्स होता है, तो कभी भी आए तो सीधे 1/4 से डिवाइड कर देना, डबल डीएनए सिस्टम में 1/4 कम टाइम लगता है, सीधा आपका आ जाएगा 9 इयर्स। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका, जल्दी देखिएगा, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजिड फुटिंग है, कौन सी फुटिंग है सर, रिजिड फुटिंग है प्लेस ऑन अ ग्राउंड सरफेस ऑन सैंड के अंदर, सैंड पर रिजिड फुटिंग प्लेस करिए, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रेशर की, तो हमने कहा सर रिजिड फुटिंग और एक होती है फ्लेक्सिबल फुटिंग, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में कॉन्टैक्ट प्रेशर सेम होता है, पर रिजिड फुटिंग में क्या होगा, रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट सेम होता है, तो रिजिड फुटिंग में क्या सेम होता है, रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है, सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है। और दूसरी कंडीशन देखनी है सैंड के केस में कैसा बनता है, इस तरह का बनता है, तो यहां पर सेंटर पे क्या देखने को मिलता है मैक्सिमम, और ये एजेस पे क्या होगा आपका मिनिमम होता है, बस हो गई बात खत्म। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर इज मैक्सिमम एट दी एजेस, ऐसे मैक्सिमम बिल्कुल गलत, जीरो एट दी एजेस, बिल्कुल एजेस पे क्या है सर जीरो है सैंड के केस में। डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, बिल्कुल पैराबोलिक है, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बेस, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या यूनिफॉर्म होगा बेस के, अरे कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म तो फ्लेक्सिबल में होता है, ये रिजिड की बात कर रहा है, रिजिड में सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, किस किस का ऑप्शन नंबर सी था, सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टॉप ऑफ अर्थ रिटेनिंग इज हॉरिजॉन्टल द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा रिटेनिंग वॉल की केस में, सभी को पता है दो होते हैं एक एक्टिव दूसरा पैसिव, एक्टिव होता है 1 - sin 5/1 + sin 5 और पैसिव होता है आपका केपी 1 + sin 5/1 - sin 5, डन। तो अपन ने बोला केपी का पूछ रहा है पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट, तो 1 + sin 5/1 - sin 5 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, डन सभी का, वेरी गुड। तो ये दोनों याद रखिएगा और के भी याद रख लिए, के क्या होता है आपका, के भी अपन बोल सकते हैं k0 इज इक्वल टू म्यू अपॉन में 1 - म्यू और 1 - sin 5 सैंड के केस में, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दे रखी है आपको 2.7, वॉइड रेशियो ई दे रखा है 0.945, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन है तो मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो सहवाग वाला फॉर्मूला SE बराबर WG, S कितना हो जाएगा 1, फुल्ली सैचुरेशन के अंदर S क्या होता है 1 होता है, वॉटर रेशियो 0.945, वाटर कंटेंट निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7, तो वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा 0.945 डिवाइडेड बाय 2.7 विच इज नियरली इक्वल टू 35 point something आएगा, तो 35 हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्यों सभी का आ रहा है, तो ES इक्वल्स WG कर देंगे, फुली सैचुरेशन है तो S की वैल्यू 1 हो जाएगी, वॉइड रेशियो है, वाटर कंटेंट निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, डिवाइड कर दो तो W आ जाएगा 35%, बिल्कुल सहवाग लगाना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ये है क्वेश्चन कुछ अच्छा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, ब्लोज जो है रिकॉर्ड हुए 1/20/30, करेक्शन फैक्टर फॉर ओवरबर्डन इज 0.90, स्टैंडर्ड पेंशन रेजिस्टेंस एन वैल्यू करेक्टेड फॉर ओवरबर्डन एंड डायलेटेंसी। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किया जिसमें तीन लेयर में करते हैं 150 mm पेनिट्रेशन सभी लेयर को करते हैं, तो पहली लेयर में कितने ब्लोज मिले 1, सेकंड में 20, थर्ड लेयर के अंदर 30, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन की वैल्यू है 0.90, एन वैल्यू करेक्टेड वैल्यू निकालनी है आपको ओवरबर्डन और डायलेटेंसी दोनों के केस में। तो हमने कहा यहां से कि एन नॉट कितना हो गया, तो एन नॉट 1/20/30, तो पहले 150 mm पर लगने वाले नंबर ऑफ ब्लोज वी विल इग्नोर्ड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20+30, ठीक है, पहले 150 mm को इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट 300 mm को लेते हैं अपन, तो ये हो गया 50, नंबर ऑफ ब्लोज हो गए 50, ओवरबर्डन करेक्शन तो एन वन निकल जाएगा आपका कितना 0.90 × 50, तो 5 × 9 = 45, तो 45 हो गए एन वन, ये ओवरबर्डन करेक्शन हो गया। नेक्स्ट डायलेटेंसी की बात करते हैं, N2 निकालना है अपने को, या फाइनल करेक्टेड वैल्यू बोल दो 15 + 1/2 N1 - 15, यही होता है, तो 15 + 1/2
एन वन कितना 45 माइनस 15, ये एन वन आ गया डायलेटेंसी करेक्शन वाला, ये पहला करेक्शन, ये दूसरा करेक्शन, तो ये 30 हो गया, तो 15 प्लस ये हो गया 30, तो 15 प्लस 50 ये हो गया 30, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 लेंगे बिल्कुल, क्योंकि पहला 150 mm को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट 300 mm पर लगे हुए नंबर ऑफ ब्लोस को कैलकुलेट करते हैं, उसे ही कहते हैं ऑब्जर्व डेंसिटी नंबर विच इज 30। उसमें करेक्शन अपन ने लिया क्योंकि लिख रखा ओवरटन प्रेशर करेक्शन कितना है 0.90, तो मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया 45 आ गया करेक्टेड वैल्यू फॉर दी ओवरटन प्रेशर करेक्शन। फिर आपको डायलेटेंसी भी लगाना है, तो 15 प्लस हाफ एन वन माइनस 15, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एन वन माइनस 15 15 प्लस हाफ, तो इसके अंदर एन वन लग दिया 45 माइनस 15 30 हो गया, 30 का हाफ 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बिटवीन सीपेज एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज और डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात कर रहा है, डिस्चार्ज वेलोसिटी इन अ सॉइल एनी वन में भी हायर, कोई भी ज्यादा हो सकता है, फॉर्मर इज ऑलवेज हायर, स्टार्ट वाली ज्यादा ज्यादा होगी डिस्चार्ज से, लेटर इज हायर डिस्चार्ज वेलोसिटी ज्यादा होगी, या बोथ आर इक्वल। हमने कहा सर वीएस सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी से, क्यों, क्योंकि सीपेज वेलोसिटी में एरिया ऑफ वॉइड्स लेते हैं, डिस्चार्ज में टोटल एरिया लेते हैं, टोटल एरिया लेते हैं, तो एरिया ऑफ वॉइड्स हमेशा कम होगा, तो क्यू बराबर क्या होता है ए बी, और वी क्या हो जाएगा आपका क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए हो गया, वी एस हो गया आपका क्यू बाय ए बी, तो जो एरिया कम होगा, जो एरिया कम होगा वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, तो सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी सर डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सीपेज वेलोसिटी फॉर्मर इज ऑलवेज हायर देन दी डिस्चार्ज वेलोसिटी, क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका सॉइल मैकेनिक्स का, इफेक्टिव स्ट्रेस द स्ट्रेस एट द पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट, इट इज अ फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, या ऑल ऑफ द अबव। हमने कहा सर यहां से गलत क्या है, ये गलत है कि ये फिजिकल पैरामीटर तो होता है दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन नॉट बी मेजर, ये फिजिकल पैरामीटर होता है, इट कैन नॉट बी मेजर, मेजर नहीं करता था डायरेक्टली, इसको मेजर करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस को टोटल स्ट्रेस में से पोर्टर प्रेशर को माइनस करके, डायरेक्टली मेजर नहीं होता है ये गलत है आपका यहां से। तो हमने कहा कि सर क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन होता है आपके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लिए, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, सेकंड कंसेप्ट पोरोसिटी डिवाइड में होती है, रेंज लगा दिया, नहीं वो नहीं लगाना है, सीपेज वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड होता है, सीपेज के अंदर एरिया ऑफ वॉइड्स देते हैं, एरिया ऑफ वॉइड्स कम होता है इससे सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आती है डिस्चार्ज वेलोसिटी से ऑलवेज। ठीक है, तो यहां पर अपना समझ में आया कि फिजिकल पैरामीटर होता है सर इफेक्टिव स्ट्रेस, बट इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, इसको रिलेशनशिप से मेजर करते हैं, इसलिए हमने कहा कि इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अब आते हैं अपन लास्ट सब्जेक्ट की तरफ, हम इन्वाइट करते हैं सर को और सर अपन का आगे वाला सेशन आपका लेंगे।
कुछ और क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं और बहुत एक अच्छा सा सब्जेक्ट है आपका, दैट इज आरसीसी। आरसीसी के कुछ सवाल बचे हुए हैं, तो आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस को क्विकली देखते हैं, ठीक है, क्विकली देखते हैं और फिर देखते हैं, फिर उसके बाद आपका जो बचा हुआ और कुछ क्वेश्चंस है उसको करेंगे, है ना। चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अ बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड, और ये आसान सवाल है। बीम जो है, आपको पता है कि बीम का मतलब ही क्या है, कि बीम का यहाँ पे अगर हम मतलब रखें तो कोई एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस स्ट्रक्चरल मेंबर में अगर ऐसे लोड लग रहा है, यानी कि इसकी अगर हम एक्सिस की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बीम की जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम, ये एक्सिस ऑफ द बीम है, एक्सिस ऑफ द बीम है, तो इसमें जो लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, वो लोड कैसा लग रहा है, दैट लोड इज वर्किंग ऑन द एक्सियल लोड लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है। बिल्कुल आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये ट्रांसवर्स लोडिंग, तो ये अगर इसकी एक्सिस है, तो ये लोडिंग कैसी है, ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो ट्रांसवर्स लोडिंग में जो लग रहा होता है उसको क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। इवन दो अगर कोई भी मेंबर ऐसा है और इसमें भी अगर ऐसे लोड लग रहा है, तो भी ये क्या कहलाएगा, बीम ही कहलाएगा। तो बीम इज कॉल्ड काइंड ऑफ द ट्रांसवर्स लोडिंग। अब सर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस बीम है, कैसी बीम है, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसी बीम है, कंटिन्यूस बीम है, और कंटिन्यूस बीम में इट्स शैल टू बी डीम्ड टू बी अ डीप बीम। कंटिन्यूस बीम को हम डीप बीम कब कहेंगे, ठीक है, डीप बीम कब कहेंगे, व्हेन द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। देखिए, मैंने आपको बोला एल बाय स्मॉल डी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझनी है, ये जो आपने पढ़ा है 7, 20, 26, ठीक है, ये आपने किसके लिए पढ़ा है, कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए, तो ये बेसिकली आपके लिए क्या है, इट इज़ नॉट फॉर द नॉर्मल, ये नॉर्मल बीम के लिए है, लेकिन इसी सिंपली सपोर्टेड और किसके लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए, सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए, यहाँ पर इसमें देखोगे अगर, तो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ है, स्पैन टू स्मॉल डी है, स्मॉल डी है यानी कि क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, स्पैन टू स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ है। अब यहाँ पर है जो L by capital D होता है, एंड capital D क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ है, तो capital D क्या है, span to overall depth, span to overall depth, span to जो overall depth है, that is the L by capital D। बिल्कुल deflection criteria है। deflection criteria का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि अगर आप L by D के ratio को इस हिसाब से रखेंगे जो code बना रहा है, तो आपके मेंबर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन होगा कम, ठीक है, तो ये जो है, इट शुड बी लेस देन 2 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड इट शुड बी लेस देन 2.5 फॉर व्हाट बीम, कंटीन्यूअस बीम, तो लेस देन कितना, 2.5, ठीक है। ये सीरीज नहीं है, बेसिकली मॉक टेस्ट हुआ था, यहां पर मॉक टेस्ट किया था हमने उत्कर्ष के ऑनलाइन सेंटर्स पे, एसएससी जैसा एकदम मॉक टेस्ट हुआ था, और उस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है ये, तो मॉक टेस्ट कल हो चुका है संडे को, तो आप उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें मॉक टेस्ट दिया था, तो उसका ये सोल्यूशन है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट मॉक टेस्ट। ये अगले मंडे फिर होगा, संडे को फिर मॉक टेस्ट होगा, और उसको हम मंडे को जो है वापस से सॉल्व कराएंगे, उसको हम मंडे को आपको वापस से सॉल्व कराएंगे, तो इस वजह से यू विल से दिस इज व्हाट बीइंग द मॉक टेस्ट हियर। 193 का सी हो गया आंसर। 194 की बात करते हैं, तो इन कंबाइंड फुटिंग, फुटिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट इज कॉलिंग अ फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग है, एंड शीयर स्ट्रेस एक्सीड 0.5 kg/cm², तो आपको पता है कि 5 से कम होने पर, ठीक है, लेस देन 5 kg/cm² होने पर कितना होता है, 8 lagged होता है, और मोर देन 5 होने पर कितना होता है, 12 lagged होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, या 12 lagged आपको ट्रांसवर्स शेयर लगाना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट यानी कि स्टीरअप्स लगाना पड़ेगा, तो दिस इज काइंड ऑफ अ डेटा जिसको आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, यू विल कीप देम इन योर माइंड देयर, ओके। हाँ, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी जो है इसका क्या है, दैट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, पहले बात क्या है, टेंशन रिइंफोर्समेंट किस में बोल रहा है, बीम्स में। तो देखिए सर, बीम की अगर हम बात करते हैं तो जो इसमें टेंशन रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना होगा, ये भी 4% होगा, और जो हमारा कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है
ये भी मैक्सिमम कितना होगा, ये भी मैक्सिमम कितना होगा, 4% होगा। तो बीम के लिए चाहे टेंशन रिइंफोर्समेंट हो चाहे कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हो, दोनों 4% होते हैं। हाँ, इसके टेंशन रिइंफोर्समेंट के मिनिमम का क्राइटेरिया भी है, ठीक है। तो ए एस टी मिनिमम बाई बी डी डिवाइडेड बाई 0.85 बाई एफ वाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस क्राइटेरिया से 0.85 बाई एफ वाई से आप क्या कर सकते हैं, ए एस टी मिनिमम भी निकाल सकते हैं किसके लिए, टेंशन रिइंफोर्समेंट का। लेकिन कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के मिनिमम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो टेंशन रिइंफोर्समेंट में जो मैक्सिमम है 4% और मिनिमम है वो ए एस टी मिनिमम बाई बी डी 0.85 बाई एफ वाई, ए एस टी मिनिमम बाई बी डी 0.85 बाई एफ वाई, 0.85 बाई एफ वाई, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको, करेक्ट। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में तो सिर्फ एक ही रिइंफोर्समेंट आएगा, क्योंकि कॉलम कंप्रेशन मेंबर है, तो कॉलम में कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट आएगा। और कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट जो है वो मैक्सिमम आपके लिए 6% के आसपास है, और जो मिनिमम है वो कितना है, 0.8% के आसपास है। तो कॉलम का भी आपको पता होता है कि कॉलम के लिए जो है मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट है जो वो 6% है, और जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट है दैट मिनिमम रिइंफोर्समेंट इज 0.8%। हालांकि ये 4% हो जाता है लैपिंग और नॉट ओवरलैपिंग वाला, बट ठीक है, एक इन जनरल अगर हम बात करें तो दिस विल बी द राइट आइडिया। ओके, अब सर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सर बहुत अच्छा सवाल है, इफ द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप, बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड को हम कहते हैं, बॉन्ड को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल शियर, एक तरीके का क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल शियर है। तो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप इन द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज मोर देन परमिसिबल वैल्यू, मतलब इट इज गेटिंग फेल्ड इन बॉन्ड, बॉन्ड में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। देन इट कैन बी ब्रॉट डाउन बाई, तो आपको पता है ना कैसे करते हैं, ठीक है, यू नो कैसे करते हैं आप बॉन्ड स्ट्रेस के लिए, सिग्मा वी बाई जो बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो इसके लिए फॉर द सेम एरिया स्मॉलर नंबर ऑफ बार्स यूज करते हैं आप, ठीक है। अगर आपको याद हो तो दैट विल बी द वी बाई सिग्मा ओ जे डी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेस के लिए क्या होता है कि अगर बॉन्ड में कोई भी बीम फेल हो जाती है तो फॉर द सेम एरिया, जैसे मान लो कि कोई फिक्स एरिया है, फिक्स एरिया है, और उस फिक्स एरिया में मान लो आप 5-1 डायमीटर की बार कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बार आ रहा है N1, लेकिन ये N1 नंबर ऑफ बार जो आया है बेसिकली ये क्या हो गया, फेल इन बॉन्ड हो गया, बॉन्ड में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, इट इज़ गेटिंग फेल्ड इन बॉन्ड, इट इज़ गेटिंग फेल्ड इन बॉन्ड, बॉन्ड में क्या हो गया, फेल हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, फॉर उसी सेम एरिया के लिए, उसी सेम एरिया के लिए दूसरी जो है डायमीटर ऑफ बार यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ओके ओके होगा बॉन्ड में। तो आपको पता है कि अगर एरिया सेम है, इफ़ एरिया सेम है, तो अगर मेरा 5-2 इज़ लेस देन 5-1 तो डेफिनेटली N2 विल बी मोर देन N1। तो स्मॉलर नंबर ऑफ बार, स्मॉलर डायफ बार ग्रेटर इन नंबर, हमको क्या करना है उसमें यहाँ पे देना होता है, ठीक, करेक्ट। सो दैट इज द आइडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ बार, डिक्रीजिंग द डायमीटर। तो सर डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ बार अपने आप जो है ना, तो दैट इज पार्ट हियर। तो करेक्ट आंसर जो इसका क्या होगा, वो हो जाएगा आपका सी। तो डायमीटर कम करोगे तो मोर इन नंबर हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ बार अगर कम होगा तो जो बार्स हो जाएंगे वो किसमें हो जाएंगे, मोर इन नंबर हो जाते हैं, मोर इन नंबर हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अब सर देखो इस क्वेश्चन में आई एम वेरी श्योर ना, जिस भी स्टूडेंट्स ने 197 को अटेम्प्ट करा होगा, एक बार पहले तो कमेंट में कर दो कि किसने किसने अटेम्प्ट करा था इसको टेस्ट में, तो उसका देखो करेक्ट आंसर आया नहीं होगा, और आया भी होगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। दो चीज़ का दिक्कत है, एक तो यहाँ पर इसने क्या नहीं दिया, एक तो इसने यहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया और सीधा सीधा डाया पूछा है। अब दूसरा क्या है, ऑप्शंस इतने क्लोज हैं कि गेसिंग भी नहीं कर सकते, ऑप्शंस इतने क्लोज हैं कि आप क्या कर सकते हैं, गेसिंग भी नहीं कर सकते। ऐसे सवालों को जब आप हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो एक बार करो, नहीं आए उसको मार्क करके छोड़ दो और दोबारा रखो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ द स्क्वायर कॉलम, कॉलम स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है यानी कि कुछ एरिया होगा, ग्रॉस एरिया है, दिस इज द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया है, और इस ग्रॉस एरिया की अगर स्क्वायर है तो ए इंटू ए इसका साइज होगा, ए पूछा है, ठीक है। टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 2100 न्यूटन, ठीक है, तो एक्सियल लोड जो है आपका,
एक्सियल लोड कितना है 2100 क्या है किलो न्यूटन है ओके। ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज़ कर रहा है वो Fe415 यूज़ कर रहा है, तो Fe415 यूज़ करने से जो आपका FY है वो 415 न्यूटन पर mm² हो गया। और यहाँ पर अगला क्या यूज़ कर रहा है M20 यूज़ कर रहा है, M20 यूज़ करने से जो FCK है दैट इज 20 न्यूटन पर mm² हो गया। नाउ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फार्मूला है, यू हैव अ फार्मूला। हाँ सी, अब लेट मी चेक इट हियर, आई थिंक सी सही है। अब उस फार्मूला है क्या है, फार्मूला है दैट जो अच्छा कंसीडरिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी जीरो नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा है कि प्योरली एक्सियल, तो दो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है आपका क्या कंसीडर करता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, और एक फार्मूला होता है जीरो इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है वो अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, ये फार्मूला लगाना है। एक जीरो वाला फार्मूला होता है, जीरो वाला फार्मूला होता है 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC, ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये फार्मूला होता है जीरो इसेंट्रिसिटी का, और जब तक ना बोला जाए, जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए तो आपको मानना होता है कि कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी है, यानी कि ये हो गया। अब देखो एक गलती आप कहाँ करोगे, एक गलती आप यहाँ करोगे कि P दिया है, तो अल्टीमेट लोड कितना होता है 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो 1.5 इंटू 2100 किलो न्यूटन हो गया, 1.5 इंटू 2100 किलो न्यूटन हो गया। प्रॉब्लम है कि ना हमको क्या पता, अब देखो सर लॉजिकली देखो, ना हमको एरिया ऑफ कंक्रीट पता, ना हमको एरिया ऑफ स्टील पता। चलो सर FCK FY तो पता है, चलो सर FCK पता है, FY पता है, PU पता है, बट ना तो हमको एरिया ऑफ कंक्रीट पता और ना तो हमको एरिया ऑफ स्टील पता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में वैसे तो 1% लेते हैं, लेकिन अगर आप कंक्रीट जो है स्टील का मिनिमम एरिया लोगे तो मिनिमम एरिया होता है 0.8%, और स्टील का जो यहाँ पर, तो कंक्रीट का जो एरिया हो जाएगा, कंक्रीट का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा जो है 99.2%, क्योंकि टोटल एरिया जो है कंक्रीट के एरिया प्लस स्टील के एरिया से मिलके बना है। अब कहीं कहीं कोई कोई इसको 1% 99% कंक्रीट और कोई कोई 1% स्टील से सॉल्व करता है। सबसे पहले आपने क्या किया होगा कि 99% स्टील और 1% 99% कंक्रीट और 1% स्टील से सॉल्व किया होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई ऑप्शन मैच करेगा नहीं, क्योंकि एक हमारी जनरल अप्रोच होती है कि 99% स्टील होगा, कंक्रीट होगा, 1% क्या होगा हमारा स्टील होगा, तो एक उससे सॉल्व करके ओवरऑल एरिया निकाल दो। ठीक है, ठीक है, तो कैसे, हाउ यू विल डू दैट, लेकिन इससे जब रखोगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो तुम मिनिमम वाला क्राइटेरिया अप्रोच अपना लो, मिनिमम वाला क्राइटेरिया अपना लो। तो लगा दिया फॉर्मूला, तो PU इक्वल टू 0.40 FCK एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील, मिनिमम वाला क्राइटेरिया अपना लो। ठीक है, PU कितना 1.5 2100 किलो न्यूटन, 10³ कर दो न्यूटन, 0.40 FCK कितना, FCK इज हाउ मच 20, एरिया ऑफ कंक्रीट जो है वो कितना है, क्योंकि 99.2% है तो 0.992 ऑफ टोटल एरिया, दिस इज एरिया ऑफ कंक्रीट, प्लस यहाँ पे लीजिएगा कितना 0.67 इंटू 415, 8% है तो 0.008% है तो 0.008 A, ये आपका एरिया ऑफ स्टील हो गया और ये क्या हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया। जब आप देखेंगे टोटल एरिया जो हो रहा है, टोटल एरिया जो है एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट लेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.992 में, मतलब 99.2%। 1% से भी करने वाले गलत नहीं हैं, हमको नहीं पता होता तो वी जनरली डू 1%, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तुम 1% से करोगे तो ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। तो इन सच सिचुएशन आपकी मजबूरी है कि आप क्या करिएगा, इससे करिएगा। तो एक बार करके मुझे आप लोग आंसर बताइए कि व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, आंसर कितना पा रहे हो आप। आंसर आप कितना पा रहे हो उस पे बात करेंगे, ठीक, आंसर आप कितना पा रहे हो उस पे बात करेंगे, ठीक है। 7.936 आ गया यहाँ पे, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, 7.936 ए आ गया, प्लस आप कितना करेंगे, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आई थिंक 2.2244 हो गया,
और यहाँ पे टोटल फोर्स है, तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और एरिया का अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट एरिया ले लोगे तो ए आ जाएगा, ठीक। तो इससे सी आंसर मैच करेगा आपका, विच आंसर विल मैच, सी आंसर विल मैच। तो मिनिमम वाले फॉर्मूले से ही आपका यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे क्या करेगा, मैच करेगा, मिनिमम वाले फॉर्मूले से ही क्या करेगा, सी आंसर यहाँ पे मैच करेगा, ठीक, करेक्ट। तो दैट विल बी द बेसिक आइडिया टू बी डिस्कस्ड। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल जो है सर, इसका तो आपको पता है, यू नो वेल, L by 500 प्लस बी आइडिया 30 या फिर कितना और 20 mm में से जो ग्रेटर हो, इसमें से जो ग्रेटर हो, जो ग्रेटर हो, ठीक। तो L कितना है आपका, व्हाट इज द L हियर, L आपका कितना है, L 5 by 500। बी या डी लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, बोथ आर सेम हियर, तो बोथ आर सेम हियर, तो 450 by 30, तो ये आ गया 10, ये आ गया 15, 25 या 20 में से जो ग्रेटर हो, तो कौन सा ग्रेटर है, 25, तो 25 लगा देते, अगर कम आ जाता तो 20 लेते। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये सवाल आपके उसका सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से होगा, क्योंकि क्या दे दिया क्वेश्चन में, मॉडुलर रेशियो दे दिया। तो आपको पता है कि b इंटू एक्स इंटू एक्स बाई टू, एक्स को ही न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं, इंटू m इंटू एस टी डी माइनस एक्स। अब यहाँ पे तुमको पूरा पुट कर देना, पहले mm में ही पुट कर दो। तो विड्थ इज हाउ मच, विड्थ इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर, तो 250 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 250 एक्स स्क्वायर बाई टू करिएगा। मॉडुलर रेशियो आपको क्वेश्चन दे रखा है कितना, 15, ओके। और एरिया ऑफ स्टील इज ऑल्सो बींग गिवन, 8.75, तो 18.75 ले लिया यहाँ पे, एंड डी इज हाउ मच, डेप्थ कितना है, 70 सेंटीमीटर, इफेक्टिव डेप्थ 70, तो 700 माइनस एक्स। तो यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेना, 300 mm आती है या फिर 30 सेंटीमीटर आ जाती है। तो दिस इज द पार्ट जो आपको खुद को करना पड़ेगा कैलकुलेशन, मैंने पिछले क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर दिया था, इसका बढ़िया करना पड़ेगा, और अच्छे सवाल है, दीज आर गुड क्वेश्चन देयर। बाकी अगर हम यहाँ बात करें तो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन प्रेजेंट इन पोस्ट टेंसिंग बट एब्सेंट इन प्री टेंसिंग। देखिए, एंकरेज स्लिप और प्लस कौन सा लॉस है, फ्रिक्शन लॉस, ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों होता है ओनली इन प्री टेंशन, ओनली इन प्री टेंशन, ओनली इन प्री टेंशन। और फिर बाकी के चार लॉस, यानी कि क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ स्टील, ठीक है, ये है ना, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये सब किस में होते हैं, इन बोथ, बोथ प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन, तो ये दोनों में होता है। तो ये चीज है, ये चीज है, ठीक। तो एंकरेज स्लिप जो है, दैट इज राइट आंसर डी, एंड आई होप थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप सभी को। नाउ अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब आपके कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं, किसके, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेफिनेटली वो उन क्वेश्चन से और भी बढ़ जाएगी। और मैं आपको फिर कहने वाला हूँ कि इनकेस इफ़ यू मिस्ड, इनकेस आपने क्या किया, इफ़ यू मिस्ड टेस्ट नहीं दे पाए आप, इनकेस अगर आप क्या होगा, टेस्ट नहीं दे पाए, तो टेस्ट नहीं दे पाने के कारण क्या होता है कि मान लो कि आप टेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो इस संडे मिस मत करिएगा, इस संडे आप सभी लोग टेस्ट दीजिएगा, एंड टेस्ट देने के बाद मंडे को हम उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करा देंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी आपको चाहिए, किसी भी ब्रास की रॉड है, डायमीटर कितना है 25 mm और लेंथ कितना है 200 mm, ओके, विच इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड ऑफ 50 kN व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ रॉड इज 0.2 mm, रॉड का जो एक्सटेंशन है कितना है 0.2 mm। तो सर आपको पता है स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन, ओके, आपको क्या चाहिए, यूनिट ई, तो ई होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन की स्ट्रेस कितना होता है, लोड बाय एरिया, स्ट्रेस कितना होता है, लोड बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, पुट कर दो। अब नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात यहां पे आप करेंगे, ठीक है, पी कितना है, व्हाट इज द पी, लोड कितना 50 kN, ऑप्शन देखो पहले, kN पर mm स्क्वायर में है तो फिर फोर्स को मत चेंज करो। देखो ऑप्शंस किस में दिए हैं उस हिसाब से आपको चेंजेस करने होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 50 है तो डोंट चेंज, एरिया के लिए यू कैन कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि सेम ही चल रहा है। तो डायमीटर कितना है
डायमीटर है क्योंकि सर्कुलर रॉड है, तो एरिया होगा पाई बाई फोर इंटू 25 का स्क्वायर। ओके हो गया। डेल्टा एल बाई एल की बात कर रहा है, 0.2 एमएम का जो है डिफ्लेक्शन है आउट ऑफ हाउ मच 200 एमएम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप लोग अटेम्प्ट करो यार, ऐसा है कोई इतना बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है, है ना? तो यहां पर आप अटेम्प्ट करो। ओके प्लीज डू अटेम्प्ट दैट, अटेम्प्ट करके आप 101.91 आ जाएगा, समथिंग 101.91 के आसपास आपका आ रहा है। सेम किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यूनिट में कोई कन्वर्जन, यूनिट में कोई भी चेंज नहीं करना है, यूनिट में कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आंसर ले लो आप 102। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द वायर डायमीटर मेन ऑफ कॉइल डायमीटर ओके एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ क्लोजली स्टील स्प्रिंग आर डी। ठीक है, जो एक्चुअली जो आपकी वायर है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे इसकी बात करें तो ये वायर की डायमीटर है, ठीक, स्मॉल डी, और जिस पे आपने स्प्रिंग बनाया है वो कितने डायमीटर पर आप स्प्रिंग बना रहे हैं, दैट इज कैपिटल डी। जैसे अगर मैं सिंपली मान लो इस चार्जर का मैं बना रहा हूँ, इफ आई एम मेकिंग दिस चार्जर स्प्रिंग, तो ये जो इसकी पतली डायमीटर है दिस इज योर स्मॉल डी, और इसको मैं जो मोड़ के स्प्रिंग बन, तो ये जो डायमीटर दिस इज द कैपिटल डी। तो वो दे दिया क्वेश्चन में, एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह भी दे दी आपको, एंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज के, और स्टिफनेस जो है स्प्रिंग की के दे दी। एक दूसरी स्प्रिंग है जो सेम स्टील की बनी है, वायर डायमीटर जो है वो चेंज किया, वायर डायमीटर कितना कर दिया 2D। ओके ठीक है, कॉइल डायमीटर भी कितना कर दिया 2D, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रहने दिया n। तो सर आपको स्टिफनेस ऑफ द जो न्यू स्प्रिंग है, उस न्यू स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसकी यहाँ पे बात आपसे वो पूछ रहा है। तो सर ये तो बहुत आसान है ना सर, आप क्या करिए, आप लगाइए k का फॉर्मूला। k का फॉर्मूला क्या होता है, जी डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब इंटू एन, ये k है। अब मान लो इसी को तुम K1 मान लो, इसी को तुम क्या मान लो, K1 मान लो। अब इसी में इन द सेम प्रॉब्लम तुमको K2 चाहिए, तो K2 के लिए जो जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस यहाँ पे आप रख दोगे, यू विल पुट ऑल द चेंजेस देयर। तो यहाँ पे यू विल पुट ऑल द चेंजेस देयर, इसको कितना कर दिया, दे हैव डन द 2D हियर, तो कर दीजिए 2D की पावर 4, फिर उसके बाद 62। अब इसको भी क्या किया है, दे हैव डन इट डबल ऑल्सो, इसको भी डबल किया ना, तो कैपिटल डी बाई 2। और इसको भी यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे इसको अच्छा R होता है, तो इसको आप ऐसा कर लो, जी डी की पावर 4 कर लो, 64 कर लो, और R को कर लो कैपिटल डी बाई 2, कैपिटल डी बाई 2 कर ले, क्यूब इंटू एन कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तुम यहाँ आओगे और इसको डबल करना है, तो यहाँ पे 2D बाई 2 कर दोगे, और क्यूब इंटू, इसमें तो कोई चेंजेस किए नहीं थे नंबर ऑफ टर्न्स में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत बढ़िया। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी ये 2D से 2D तो कट ही रहा है, इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो अगर इसे K1 आया है तो ये डबल आ जाएगा, 2K1 आ जाएगा, तो 2K1 आपको ले लेना। बट देखो प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या है, R में है, वो दे रहा है आपको कितना, कैपिटल D। तो अगर वो कैपिटल D दे रहा है तो आपको क्या करना है, आर इक्वल टू डी बाई 2, और इसको D को आपने यहाँ पे किया है डबल किया है, तो 2D बाई 2। तो यहाँ से जब 2D बाई 2 करेंगे आप, तो यहाँ पे डी क्यूब होगा, और 2D पावर 4 इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो दिस इज इजी वन, कहने को माहौल इन्होंने बना रखा है बट आसान है बहुत, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बीम है 4 मीटर लॉन्ग है, सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड। ओके सर, सिंपली सपोर्टेड बीम देखते ही खुश हो जाते हो आप, ठीक है। इट्स कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट द सेंटर। अरे सर पॉइंट लोड W एट द सेंटर, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है, PL क्यूब बाई 16EI एंड PL की पावर 4 बाई, अच्छा डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड लग रहा है तो फिर तो आपके लिए डिफ्लेक्शन में 3 आएगा, तो WL स्क्वायर बाई 16EI और WL क्यूब बाई 48EI हो जाएगा, ठीक है। इट इज कैरिंग पॉइंट लोड W एट द एंड, इफ द स्लोप एट, अच्छा स्लोप आपको दे दिया उसने, तो इसमें जो स्लोप दोनों एंड पर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 डिग्री। अब सर 1 डिग्री दे रखा है, और पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ पे भी स्लोप को आप किसी भी फॉर्मूले से निकालते हैं तो बेसिकली वो रेडियन में आता है, तो आप इसको क्या कर लो, पाई बाई 180 करके क्या कर दो, रेडियन में कर दो। दिया भले उसने 1 डिग्री है लेकिन इसको रेडियन में कर दो, तो वट एवर इज द रेडियन उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों एंड पर जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है तो सिंपल सपोर्ट पे स्लोप की वैल्यू आएगी, अगर ये फिक्स सपोर्ट होता तो फिक्स सपोर्ट पे स्लोप की वैल्यू कितनी होती ही नहीं,
फिक्स सपोर्ट पे तो स्लोप जो होता है वो जीरो होता है क्योंकि इट इज़ द फिक्स सपोर्ट, वो बेंड करेगा ही नहीं। और स्लोप तभी आएगा किसी भी सपोर्ट पे जब वो मेंबर बेंड करेगी, जब वो मेंबर मुड़ेगी। तो ठीक है, आपने कहा कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला आप लगा दो, पी एल क्यू बाई 16 या पी एल स्क्वायर या डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 या। तो एक ये चीज आपको मिल गया। अब आपसे पूछ रहा डिफ्लेक्शन, अब डिफ्लेक्शन फॉर द पॉइंट लोड जो है मान लो कि डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई होता है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। लॉजिकली किसकी वैल्यू पूछ रहा है, लॉजिकली उसने सेंटर पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है और वैल्यू दिया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 48 ई। अब सर देखो, इसमें इसको अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं इसको चेंज करूं तो मैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई लिख के इंटू एल बाई 3 कर दूं, एल बाई 3 कर दूं, तो ये वही चीज बनेगी, ये वही चीज बनेगी, सेम चीज बन जाएगी। इसकी वैल्यू पूछी ना, और इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, आई नो ऑलरेडी, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितना, पाई बाई 180। तो सर यहां पे क्या करो, एक काम करो, पाई बाई 180 कर दो, एमएम में पूछा है तो सर 4000 कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, क्योंकि लंबाई कितनी दे रखी है 4 मीटर, तो 4000 बाई 3 कर दो। अरे सर इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इफ आई एम सॉल्विंग हियर, तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 23.27 आ रहा है मेरा आंसर, तो 23. कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो 23.27 में ये ए वाला ऑप्शन आप 23.26 वाला आंसर ले लेंगे। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द चेंज इन द डायमीटर। अच्छे लेवल के आपके सोम के सवाल डाल दिए उन्होंने, अच्छी बात है। हाँ उतना चलेगा, उतना उतने से आप गेस कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं चूज करना है। और भैया अगली अगले जो मंथ में, आई मीन द नेक्स्ट संडे टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आपका होगा मॉक टेस्ट, उसको मिस मत करना, लाइव टेस्ट दे लेना, टेस्ट देने के बाद अपने आप को जांच लेना और जांचने के बाद सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर शेल है, थिन सिलेंडर फॉर्मूला लगेगा, 100 सेंटीमीटर डायमीटर है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 मीटर लेंथ है, व्हेन सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 3.5, इंटरनल प्रेशर आपको दे रखा है 3.5, ओके। यहाँ पर फिर स्मॉल पी दे रखा है, फिर आपको बोल रहा है वैल्यू ऑफ, तो सर पॉइजन रेशियो दे रखा है, तो जो भी डायमेट्रिक आपके यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, जो भी डायमेट्रिक चेंज होगा, जो भी डेल्टा डी, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द फॉर्मूला दैट इज पी डी स्क्वायर बाई 2 प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे रख दो, पी आपको दे रखा है कितना 3.5, ठीक है, और 1 माइनस म्यू भी आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस म्यू बाई 2 ले लो, पी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, ई की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर सबको दे रखा है, पुट करो, पुट करो, पुट इट हियर, तो 3.5 ले लो, 100 100 का स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं, बाद में हम इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर ले रहे हैं, ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो लास्ट में हम चेंज कर देंगे, ओके कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2 रखिए, है ना, एंड इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे, 0.3 म्यू की वैल्यू रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, चेंज कर देंगे, तो आंसर 0.74 आएगा। तो हम कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, और इसको मैं क्विकली करा देता हूँ, पॉइंट नहीं, ए नहीं आएगा, इसका आंसर जो है डी आएगा, पिछले वाले का, अच्छा आपने पिछले वाले का ए बताया, हाँ पिछले वाले का जो है आंसर वो ए था, पंकज पिछले वाले का आंसर जो क्या था वो ए था, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, 105, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, शुरू में करना था बट हम लास्ट में इसको कर रहे हैं। द हॉलो सिलेंडर शाफ्ट ऑफ द आउटर एंड इनर डायमीटर आर, ओके, तो आपका जो डी नॉट है वो है 20 सेंटीमीटर और जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर है कितना 10 सेंटीमीटर। द शेयर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, टाउ कितना दे रखा है, लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन पर मोल स्क्वायर। मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछा है, क्या पूछा है, टॉर्क की वैल्यू पूछा, टॉर्क जो है वो न्यूटन मीटर में या किलो न्यूटन मीटर में, तो किलो न्यूटन मीटर में आपसे पूछा है। यूनिट्स का ध्यान रखोगे तो सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, हाँ वो हाँ पिछला वाला आंसर आपका सही, 23.27 इज राइट। तो सर जो टॉर्क की बात अगर आप करोगे, फुल टॉक अबाउट टॉर्क, तो पाई बाई 16 इंटू टाओ, ठीक है, और आउटर डायमीटर की पावर 4 बाई इनर डायमीटर की पावर जो है आपको रखनी है 4, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना रखेंगे आप, ऑब्वियसली आउटर डायमीटर, पूरी की पूरी वैल्यू आप क्या करिए फिक्स कर लीजिए, टाओ की वैल्यू न्यूटन पर, फिर से वही न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखने दो, कोई बात नहीं है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रखोगे टॉर्क न्यूटन एमएम में आ जाएगा, और न्यूटन न्यूटन एमएम में आ जाएगा, और उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्जन फाइनल आंसर में कर लेना अगर आपका डिजायर्ड नहीं दिया है तो। यहाँ पे कितना रख दो, 50 रख दो, 200 की पावर 4, इंटरनल कितना है 100 की पावर 4, सब मीटर में रख रहे हैं, ओके मीटर में रख रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है,
तो यहां पर इस तरीके से आप यहां पे पूरा पुट करिएगा, तो ये तो कैंसिल हो, तो इफ यू विल डू ऑल, तो आपने हाँ बी आंसर इसका, नहीं बी नहीं इसका ए आंसर है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, यू हैव टू चेक योर कैलकुलेशन, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, फॉर्मूला बता दिया. सो दिस वॉज द कंप्लीट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन, ये पूरा मॉक टेस्ट का सोल्यूशन था, जितनी भी हमने पॉसिबल चीजें थी मॉक टेस्ट में वो सारी आपको क्या कर दी, बता दी. अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप CBT 1 या CBT 2 में, अब एक बार चेक कर लेना, इट विल बी सेम, अब एक बार आप अपने लेवल पे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है. सो दिस इज द बुक जो है, इफ़ यू आर लैकिंग इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में लैक कर रहे हो और बहुत अच्छे सवाल और प्रैक्टिस करने हैं फॉर बोथ CBT 1, CBT 2, SSC या फिर किसी अदर एग्जाम के लिए भी, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, तो इसके लिए उत्कर्ष की जो प्रैक्टिस बुक है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक. क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सोल्यूशन साथ कराया गया है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो अगले संडे आपका इंतजार रहेगा मॉक टेस्ट के लिए और मंडे आपका इंतजार रहेगा लाइव सोल्यूशन के लिए, ठीक है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई विश यू गुड लक.